Assalamualaikum participants, Sayyid Asif Vishnu speaking here. और आप सबको मैं इनवाइट कर रहा हूँ सेशन में. वी आर अबाउट टू स्टार्ट द सेशन इन 5 मिनट्स और थोड़ी देर में हम स्टार्ट करेंगे सेशन. शाम प्लीज बी. बस हम 5 मिनट्स में स्टार्ट करें. अच्छा ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स, आप मेरी आवाज आ रही होगी. मैं अभी कैमरा भी ऑन कर दूंगा थोड़ी देर में. कुछ ग्राउंड रूल्स थे आपको बताए थे ताकि सेशन में फिर डिस्टरबेंस ना हो, आपके लिए भी आसान होगा. बेसिकली एक तो रूल ये था कि आप वीडियो ऑफ रखिएगा अपना ड्यूरिंग द सेशन. क्वेश्चंस आप सारे नोट कीजिएगा और एंड में हम हाफ एन आवर या 1 आवर पूरे क्वेश्चंस पे ही देंगे. पूरा डिस्कशन होगा तो वो बिल्कुल क्वेश्चंस आपके मैं एड्रेस करूंगा. दूसरी चीज ये थी कि किसी को भी कोई क्वेरी हो तो वो नोट डाउन अपने पास कर ले और ये आसान रहेगा. हार्डली हमारा 1.5-2 आवर्स के सेशन है तो इसमें हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे और आपकी सारी क्वेरीज होगी और इंट्रोडक्शन और सारी चीजें अभी मैं इंशाल्लाह थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा. 2 पार्टिसिपेंट हमारे पास ऑफलाइन है. आपका नाम मोहम्मद सैफुल्ला और समीउल्ला. तो समीउल्ला और सैफ हमारे साथ आ गए और भी पार्टिसिपेंट साथ में ज्वाइन करें. और मैं बहुत थैंकफुल हूँ ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स को. आप लोग बहुत पहले से आप सबने ज्वाइन कर लिया था सेशन. इट्स वेरी गुड बिकॉज पंक्चुअलिटी जो है बड़ी जरूरी है और ऑफलाइन पार्टिसिपेंट टाइम पे भी पहुंचे. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपका भी टाइम इंपॉर्टेंट है और वो फिर प्रॉपरली यूटिलाइज होता है. जितना अर्ली हम स्टार्ट करते हैं चीज को उतना जल्दी हम कंक्लूड कर पाते हैं. तो हम स्टार्ट कर रहे हैं सेशन और मैं वीडियो ऑन कर रहा हूँ. अच्छा ऑनलाइन स्टूडेंट, मुझे बस चैट पर आपकी जो भी क्वेरीज या कोई कंसर्न हो ना तो वो आप ऑडियो पे नहीं मुझे चैट पे बता दीजिएगा, वो ज्यादा इजी रहेगा. और फिर जब हम क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे तो फिर मैं ऑडियो ऑन कर दूंगा आपके लिए और आप लोग फिर अपने सवाल आप मुझे बताइएगा ताकि एक प्रॉपर फ्लो में हमारा सेशन हो. अभी जो प्रेजेंटेशन है वो मैं पूरी डिस्कस आपसे कर लूँ और उसके बाद आपके जो क्वेश्चन होंगे वो एंड में हम एड्रेस करेंगे. और अगेन मैं आप बहुत शुक्रगुजार हूँ और आप लोगों ने टाइम पे सेशन को ज्वाइन किया एंड वी आर स्टार्टिंग द सेशन. ठीक है, मुझे आप देख पा रहे होंगे आई एम श्योर. चैट पे कोई अगर लिख दे, अगर मैं नजर आ रहा हूँ आपको स्क्रीन पे और स्लाइड भी नजर आ रही है आपको, कोई भी चैट पे मुझे मेंशन कर दे. ठीक है, थैंक यू थैंक यू. और आपको आवाज भी सबको सुनाई मेरी दे रही होगी. कोई क्वेरी आप चैट पे लिख दीजिएगा तो आसानी पे रहेगी. ठीक है, हम स्टार्ट कर रहे हैं. 7:30 आपका सैफुल्ला क्या टाइम हो रहा है आपको? 7:30. बहुत कम ऐसे मौके आते हैं पाकिस्तान में टाइम पे चीज हो जाए, हम कोशिश करते हैं कैसे ही हो. ठीक है, अच्छा जी स्टार्ट करते हैं. अच्छा आज का जो एजेंडा है, सबसे पहले ये जो कॉन्सेप्ट है ई दुकान का, ये क्या है आपको हम इससे रूशनास कराएंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे क्या कॉन्सेप्ट है. ई गवर्नमेंट ऑब्वियसली इस कोर्स से रिलेटेड एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसकी बात होगी. आप क्यों करेंगे कोर्स? देखिए एक प्रिंसिपल होता है, हमेशा मैं अपने लोगों से जब भी कोई चीज डिस्कस करता हूँ अपने पार्टिसिपेंट से ट्रेनिंग से, तो मैं ये कहता हूँ कि कोई भी कस्टमर हो, कोई भी इंडिविजुअल हो, वो हर चीज में एक एक्रोनिम ढूंढता है. वाईफाई और वाईफाई एम के साथ. वाईफाई तो आप सब जानते हैं कि हम वायरलेस फिडेलिटी को कहते हैं, टेक्निकल टर्म है, लेकिन वाईफाई एम का मतलब अंग्रेजी में होता है व्हाट्स इन इट फॉर मी. तो ये कोर्स आप सब करना चाह रहे हैं तो जाहिर आपकी कुछ कंसर्न, कुछ होप्स, कुछ एस्पिरेशन होंगी, कुछ एक्सपेक्टेशन होंगी, वो हम की बेनिफिट्स में प्लीज तो ये हम यहाँ पे बताएंगे कि क्यों ये कोर्स आपको के लिए जरूरी है, क्या आपको इससे बेनिफिट मिलेगा. इसके बाद जो है लर्निंग आउटकम्स, हम क्या क्या चीजें सीखेंगे इस कोर्स के जरिए. इसके बाद जो है आउटलाइन, जो पूरी डिटेल है कोर्स की, आपको क्या कंटेंट पढ़ाया जाएगा वो पूरी चीज हम देखेंगे. और इसके बाद जो है हम कुछ केस स्टडीज आपकी लर्निंग के लिए भी है और या आपके मोटिवेशन के लिए भी है, प्लीज वो हम शेयर करेंगे ताकि आपको बहुत सारी चीजों की नॉलेज भी हो और आपको जो मोटिवेशन है इस कोर्स की वो भी बढ़े करने की. और आखिर में फिर हमारा जो इंस्टीट्यूट है यूएक्सएल, उसमें क्या फैसिलिटीज है, क्या उसका इंट्रोडक्शन है,
बहुत कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोगों को नहीं पता होगा शायद, तो हम उस पर पूरा डिस्कशन करेंगे। और ट्रेनिंग फैसिलिटेटर जो है उनके बारे में, उनकी प्रोफाइल्स पे बात होगी। फिर आखिर में सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो फीस स्ट्रक्चर है हमारा, जो कोर्स का शेड्यूल है और जो स्पेशल ऑफर है, ठीक है। तो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना ओरिएंटेशन। जिन स्टूडेंट्स ने हमें ज्वाइन किया है, आप नाम बताइएगा। सुमैया, ठीक है, सुमैया, आमना, सलीम, मुनस, मुइस, मुइस, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले जो है ई दुकान का कॉन्सेप्ट जो है इसको समझ लेते हैं। देखिए, एक नोट, एक देखिए, ट्रेनिंग कॉन्सेप्ट है। बहुत सारे कोर्सेज ई कॉमर्स के आप लोगों ने पढ़ाए भी होगा, उनके बारे में हो भी रहे, कुछ फ्री भी होते हैं, कुछ फीस वाले भी होते हैं। इस कोर्स में जो एक खास बात है, इसके बेसिकली तीन ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक तो बहुत, देखिए, दो तरह के ट्रेनिंग होते हैं। एक वो जो के फ्रेश होते हैं, जिनको किसी कॉन्सेप्ट की बेसिक नॉलेज नहीं होती, और कुछ होते हैं जो ऑन ग्राउंड ऑन फील्ड प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, उनको नॉलेज होती है। तो हम ये चाहते हैं कि स्पोर्ट्स के थ्रू आपको बेसिकली हम ई कॉमर्स की मेजर टूल्स और ई कॉमर्स की मेजर चीजों के बारे में पूरी ट्रेनिंग दे। साथ ही हम आपको डिजिटल मार्केटिंग की भी काफी की एरियाज की ट्रेनिंग दे, ताकि आप ना सिर्फ ये सीखे कि एक ई कॉमर्स स्टोर आप कैसे सेटअप करेंगे, बल्कि आप उसको रैंक कैसे कराएंगे सर्च इंजन पे, आप उसकी ऑर्गेनिक या पेड मार्केटिंग कैसे करेंगे, ये सारी चीजें भी इसमें हमने शामिल की है। तो वैसे तो ये ई कॉमर्स या ई दुकान कोर्स नाम है कोर्स का, बट इसमें आपको फायदा, या ये बेसिकली मैं ये कहूंगा कि आपके लिए टू इन वन एक कोर्स है, क्योंकि इसमें आपको ई कॉमर्स के कॉन्सेप्ट बहुत मेजर सीखने को मिलेंगे, साथ ही आपको डिजिटल मार्केटिंग के भी कुछ की कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। बिकॉज अब अगर जो करंट सिनेरियो है जॉब मार्केट का, वहां पर इवन फ्रीलांसिंग में, वहां पर अगर आपको ये दोनों चीजें आ जाए, यानी ई कॉमर्स के भी आपको स्किल रहे और डिजिटल मार्केटिंग की भी स्किल रहे, तो आप बहुत अच्छे अपने बिजनेस की ग्रोथ की तरफ जा सकते हैं, बल्कि आपकी जॉब में भी सक्सेसफुल हो सकते हैं, इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज भी है। तो ये बेसिकली ई दुकान जो है ना, हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि शहर, गांव या कोई भी एरिया हो, आपको इतनी नॉलेज हो कि आप एक बेसिक सोल प्रोप्राइटरशिप का सेटअप ई कॉमर्स के बिजनेस मॉडल पे स्टार्ट कर सके, आप अपनी एक बेसिक ऑनलाइन स्टोर या ऑनलाइन शॉप सेटअप कर सके और उसको मार्केट भी कर सके। एक बार एक कोटेशन है, आप सबने शायद सुनी हो, जंग जी, सोल प्रोप्राइटरशिप। अच्छा, वैसे क्वेश्चन एंड में है, मैं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको वैसे बता, सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है एक सिंगल ओनर का बिजनेस। लेट सपोज एक साहब है, उनको बैलून सेल करना है और उन्हें एक स्टॉल लगा लिया, ही इज द सोल प्रोप्राइटर, बिकॉज वो सोल ओनर है उस बिजनेस के। फिर एक पार्टनरशिप होती है, जैसे हमारे पास सैफ और समी है। अब इन्होंने एक कंपनी बनाई, दोनों के शेयर थे 50-50, दिस इज अ पार्टनरशिप। और एक जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है। तो बेसिकली हम तो बिजनेस ही सेटअप करने, अब फर्क बस ये है कि हम एक ऑनलाइन या डिजिटल बिजनेस की तरफ जा रहे हैं सेटअप के। और ये जो मैं आपको चीज बता रहा हूँ कन्वेंशनल थोड़ी सी, बट ऑब्वियसली होता तो ही। तो अब आप उसमें तीनों मॉडल्स पे फिर जा सकते हैं कि आप किस तरह। तो सोल प्रोप्राइटर के एक जो कोई भी ओनर है वो अपना, और क्वेश्चंस आप, मैंने ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी कहा आप लोग नोट कर लें, ताकि एंड में पूरा सेशन है, बिकॉज फिर वो टू एंड फ्रो हो तो वो इश्यू होगा, लेकिन एंड में हम पूरा आपसे, आप, मैं बहुत खुशी मुझे होगी, बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपको, और फिर हम उसको, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो ई दुकान का है वो ये है कि आप ई कॉमर्स या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के कॉन्सेप्ट आपको बताया जाए, और साथ ही डिजिटल मार्केटिंग, ताकि आपने प्रोडक्ट सर्विस को, जिनको कुछ सेल करना है अपने ई कॉमर्स स्टोर या वेबसाइट पर, उन्हीं मार्केटिंग भी सीख सके। तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज है, अब जाहिर है ई कॉमर्स की बात हो रही है, तो सबसे पहले इसको एक्सप्लेन करना जरूरी है। और एक कहावत पे मैं आया था, वो बात हो गई थी उसमें, जैसे कहा जाता है, जंगल में मोर नाचा तो किसने देखा। तो बहुत बार ही होता है, बहुत अच्छी चीज क्रिएट कर लेते हैं, आपने स्टोर बहुत अच्छा क्रिएट कर लिया, आपको शॉपिफाई आता है, आपको दराज आता है, आपने स्टोर सेटअप कर लिया है, बट हाउ यू विल मार्केट द स्टोर, आपको कस्टमर वहां पे कैसे मिलेंगे, कन्वर्जन, सेल, ऑर्डर्स कैसे आएंगे, ये एक मेन चीज है। और वो उसके लिए फिर आपको मार्केटिंग का स्किल, और अब जो जमाना है वो ऑब्वियसली डिजिटल मार्केटिंग का है वो भी। तो ये कोर्स जो है बेसिकली इन तीन चीजों को, स्टोर सेटअप, डिजिटल मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो कि पार्टी डिजिटल मार्केटिंग का, इन सारी चीजों की तरफ जाएगा। और जो इसकी जो मेन चीज, जो क्रक्स है, एक बहुत ब्रॉड टर्म है ई कॉमर्स, तीन आप तस्वीरें देख रहे हैं, एक और कहावत है कि अ पिक्चर इज वर्थ अ थाउजेंड वर्ड्स,
तो मैं ई कॉमर्स समझा, उससे पहले आपने तीन लोगों देख लिए और उससे आपको काफी आइडिया हो गया होगा। एमेजोन मतलब एक केस स्टडी, आगे उसमें अभी डिस्कशन भी करेंगे। ग्लोबल एक ई कॉमर्स स्टोर और दराज एक लोकल, हमारा पाकिस्तानी बहुत पॉपुलर ई कॉमर्स स्टोर है। शॉपिफाई एक सीएमएस एक टूल है जिससे आप शॉप्स वगैरह सेटअप करते हैं। तो ये कुछ चीजें जो ई कॉमर्स के मतलब जो कॉन्सेप्ट आज कॉमन हुआ है दुनिया में पाकिस्तान में, उनमें इन कंपनीज का बड़ा रोल है। और ई कॉमर्स है क्या, अगर हम आसान अल्फाज में समझे तो सेलिंग और परचेस पहले ट्रेडिशनल बेसिस पे होती थी। आप किसी दुकान में जाते थे, पैसे देते थे, वो कई सालों से मतलब डेकेड से ऑनलाइन हो गई। आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करते, तो किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को, प्रोडक्ट कोई भी ऐसी चीज जो फिजिकल हो जिसको आप फील कर सकें, और सर्विस कोई भी ऐसी चीज जो कि नॉन फिजिकल है जो कि आप ऑफर कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर एक गाड़ी सेल हो रही है, कोई ऑनलाइन स्टोर सेल हो कर रहा है, तो वो एक प्रोडक्ट है, लेकिन गाड़ी की जो मैकेनिकल सर्विस है वो एक सर्विस है। तो इन दोनों की सेल्स के लिए अब ई कॉमर्स और ऑनलाइन बिजनेसेस और ऑनलाइन वेबसाइट अपना रोल प्ले कर रहे हैं। और ई कॉमर्स को इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को हम सिंपली डिफाइन करें तो ऑनलाइन परचेज एंड सेल ऑफ एनी प्रोडक्ट और सर्विस वे वेबसाइट पोर्टल वगैरह वगैरह। और बहुत ब्रॉड फेज है क्योंकि इसमें सिर्फ सेल्स नहीं होती, इसमें और बहुत सारे स्पेक्ट्रम इंक्लूड होता है। इसमें ऑनलाइन शॉप्स हो सकती है, ऑनलाइन बैंकिंग भी इसके अंदर आ जाती है, ऑनलाइन बैंकिंग स्टोर्स के लिए हो या डिजिटल प्रोडक्ट्स हो या कन्वेंशनल प्रोडक्ट्स हो। अब मैंने आपको डिजिटल प्रोडक्ट्स एक नई टर्म बताई है। डिजिटल प्रोडक्ट्स आप इस तरह के हो गए, सिर्फ आपने देखा होगा प्ले स्टोर पे या एप्पल के आईओएस स्टोर पे गेम बच्चे डाउनलोड कर रहे होते हैं, तो उसमें भी बहुत सारे गेम लोग खेलते हैं, तो उनको एक वेपन उस गेम में चाहिए, वो एक डिजिटल प्रोडक्ट है। अब वो वेपन उस वक्त नहीं मिलेगा जब वो उसके $200 या $300 पेन करेंगे। और बहुत बार ऐसे भी वाकयात आए कि बच्चों ने दादा दादी के अकाउंट से पैसे पे कर दिए ताकि उनको इतना शौक था खेलने का। तो दैट इज अ डिजिटल प्रोडक्ट। ई बुक्स बहुत ज्यादा पॉपुलर है, दैट इज ऑल्सो अ डिजिटल प्रोडक्ट। तो चाहे वो डिजिटल प्रोडक्ट्स हो या कन्वेंशनल प्रोडक्ट्स हो, उनकी सेल्स, उनकी प्रमोशन, उनकी बाइंग और सेलिंग की सारी एक्टिविटीज, ये सब इस टर्म के अंदर इनकम पास होती है, इसको हम ई कॉमर्स कहते हैं। और पाकिस्तान की एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया दराज, अमेजोन और अलीबाबा ग्लोबल एग्जाम्पल है ऑफ ई कॉमर्स। ठीक है। अच्छा, सीएमएस की एक बात है आखिरी बड़ी इंपॉर्टेंट, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। आप लोगों ने एक टर्म सुनी होगी आई एम श्योर, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन, वर्डप्रेस आप लोगों ने सुना होगा नाम, और शॉपिफाई भी आपने सुना। ये बेसिकली इनको हम कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स कहते हैं, जिनके जरिए आप अपनी वेबसाइट क्रिएट करते हैं। इफ इट्स अ सिंपल वेबसाइट जो कि एक ब्लॉग है या किसी पर्सन की इंडिविजुअल वेबसाइट है या वो ई कॉमर्स स्टोर है, तो ये सारी चीजें जो है आप वर्डप्रेस से भी कर सकते हैं और शॉपिफाई से भी कर सकते हैं। शॉपिफाई को एक एडवांटेज ये कि वो स्पेसिफिकली बना ही ई कॉमर्स वेबसाइट ई कॉमर्स स्टोर के सेटअप के लिए, तो आपको ज्यादा ऑप्शन नहीं देता, लेकिन ये काम वर्डप्रेस पे भी होता है। और ये जो वेबसाइट डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म होते हैं, ऐसी वेबसाइट जिनसे आप वेबसाइट क्रिएट करते हैं या ऐसे सॉफ्टवेयर, उनको हम सीएमएस कहते हैं, कॉन्टेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है। अच्छा जी, अब जो है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आ गया प्रेजेंटेशन का कि आपको फायदा क्या है, क्योंकि यही चीज है कि आप क्यों कोर्स कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट कि अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस करना चाहते हैं फ्रॉम स्क्रैच, बहुत मतलब सक्सेसफुल लोग हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान अभी भी फोर्थ है जो करंट रैंकिंग है इन फ्रीलैंसिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, और थोड़ा सा अप डाउन हुआ होगा इन्फ्लेशन और चीजों की वजह से, लेकिन यही चल रहा है टॉप 10 में तो अभी भी पाकिस्तान है। और उसकी वजह है कि डिजिटल मार्केटिंग, कॉपी राइटिंग, ई कॉमर्स, इन सारे स्किल की डिमांड दुनिया भर में है। और अगर आप अपना एक नॉर्मल बिजनेस भी फूड इंडस्ट्री के लिए, क्लोथिंग इंडस्ट्री के लिए सेटअप करना चाहते हैं, तो आपको कुछ बेसिक स्किल्स आने चाहिए जो कि इस कोर्स का पार्ट है। सबसे पहले तो आप ऑनलाइन स्टोर सेटअप की बात सीखेंगे, दूसरी बात आपके जो करेंट डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स है उनको आप एनहांस कर सकते हैं, ये अप स्किल कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, बिकॉज तो जो भी आप स्किल सीखेंगे वो फिर फ्यूचर में आप रिक्वायर जो ई कॉमर्स की चीजें हैं वो रिक्वायर करेंगे कि आपको अपने प्रोडक्ट सर्विस और अपने ब्रांड को, अपनी वेबसाइट को मार्केट करना है। तो आप इसमें दूसरा फायदा है कि आपको डिजिटल मार्केटिंग स्किल भी इस कोर्स में सीखने को मिलेंगे। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक पूरी फील्ड है जो कि पार्ट है डिजिटल मार्केटिंग का, जिसके बारे में आपको इस कोर्स के थ्रू सीखने को मिलेगा। इसके अलावा पेड और ऑर्गेनिक मार्केटिंग जो कि डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है,
किस तरह से होती, प्लीज प्लीज। तो वो भी हम आपको इन 3 महीनों में सिखाएंगे, 3 महीने का ड्यूरेशन है इस कोर्स का। और इसके अलावा जो टूल्स हैं, जैसे हमने शॉपिफाई की बात की, दराज पे स्टोर सेटअप की बात है, कुछ बेसिक मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं, और पेमेंट गेटवेज कैसे होती हैं, ये सारी चीजें ई कॉमर्स का जो पूरा फर्स्ट मंथ होगा उसमें हम कवर करेंगे। तो ये बेसिक आपका एडवांटेज है कि ना सिर्फ आप ई कॉमर्स सीखेंगे इस कोर्स से, बल्कि आप डिजिटल मार्केटिंग भी काफी हद तक सीख जाएंगे। प्लीज प्लीज भाई। अच्छा, अब लर्निंग आउटकम्स जो है, जो मैंने तकरीबन आपको एक आइडिया दे दिया है, तो सबसे पहले तो ऑनलाइन स्टोर्स का सेटअप शॉपिफाई, दराज या डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे किस तरह से होता है, ये बात एक है हमारी। इसके अलावा ऑर्गेनिक और पेड मार्केटिंग कुछ प्लेटफॉर्म में, स्पेशली पेड मार्केटिंग के लिए गूगल एड में फेसबुक को कवर करेंगे, और इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, टिकटॉक, पिंटरेस्ट पे हम ऑर्गेनिक मार्केटिंग किस तरह करते हैं बेसिक लेवल पे वो हम देखेंगे। इसके अलावा जो है हम सर्च इंजन मार्केटिंग या पेड एडवर्टाइजिंग जो स्ट्रेटजीज है, पीपीसी जिसको कहते हैं, उसको भी थोड़े हद तक कवर करेंगे। और एसईओ में तो पूरा एक मंथ हमने डेडिकेट किया हुआ, बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। बिकॉज अभी तक, ऑल्दो आपको पता है नवंबर 2022 में चैट जीपीटी लॉन्च हुआ, तो उसने काफी चीजों को चेंज किया है, बट स्टिल गूगल अपनी जगह, तो गूगल पे कोई भी चीज अगर रैंक होती है तभी वो लोगों को नजर आती है, तभी वो लोगों के लिए विजिबल होती है। तो इसको समझने के लिए हमें एसईओ की एक बेसिक नॉलेज चाहिए, जो हम हमारा एक लर्निंग आउटकम है। इसके अलावा गूगल एड्स और फेसबुक एड कैंपेन्स को आप रेगुलेट कैसे करते हैं, मॉनिटर कैसे करते हैं, रन कैसे करते हैं, ये सारी चीजें हम सीखेंगे। और इवेंचुअली परफॉर्मेंस मेजरमेंट, यानी आप जो सारी चीजें कर रहे हैं उससे आपको सेल मिल रही, ऑर्डर आ रहे, कोई रिजल्ट मिल रहा है, या बस वो हम ऐसे ही कर रहे हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन आपके काम की, उस पर भी हम बात करेंगे। एनालिटिकल जो पार्ट है वो हम देख रहे हैं। प्लीज आइए। अच्छा, अब जो 3 मॉड्यूल हैं इस कोर्स के, सबसे पहला मॉड्यूल है ई कॉमर्स रिलेटेड, आप अपनी ई दुकान का सेटअप कैसे करते हैं बेसिक लेवल पे। दूसरा मॉड्यूल जैसे मैंने बताया सोशल मीडिया मार्केटिंग को कवर करेगा, जिसमें पेड और ऑर्गेनिक दोनों बातें होंगी। और तीसरा मॉड्यूल जो है वो एसईओ को डिटेल में कवर करेगा। ठीक, अब कैसे कवर करेगा, अगर आप एक आउटलाइन देखे, अब जाहिर है मैं उसमें थोरो डिस्कशन नहीं कर रहे, बिकॉज बहुत ये तो पूरा कोर्स ही फिर इसमें होना है। तो हम स्टार्ट करेंगे जो कॉन्सेप्ट होंगे, एक ई कॉमर्स का इंट्रोडक्शन बेसिक, ताकि बहुत से लोग जो पहली बार ये चीज सीख रहे हैं उनको नॉलेज हो, बहुत से लोगों को नॉलेज होगी। इसके अलावा आप बेसिक अपना अगर स्टोर सेटअप करने हैं, तो स्टोर का एक लोगो या प्रोडक्ट के लिए इमेजेस कैनवास से कैसे डिजाइन करेंगे, ये चीज के अंदर टूल है, एक फ्री डिजाइन टूल है जो कि बहुत सिंपल है, तो उसको हम एक्सप्लोर करेंगे। और फिर जो कोर कंपोनेंट है, ड्रॉप शिपिंग का कॉन्सेप्ट, ई कॉमर्स मॉडल जो है उनको हम एक एक करके कवर करेंगे, एडवांटेज डिसएडवांटेजेस क्या है बेसिक लेवल पे अंडरस्टैंडिंग के लिए। 4 P's ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग रिलेटेड है ई कॉमर्स से और डिजिटल मार्केटिंग का भी पार्ट है, तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए इस पर बात होगी। मॉडल्स की मैंने आपको पहले ही बात बता दी है। इसके अलावा स्टोर्स को ऑनलाइन सेटअप किस तरह किया जाता है, ऑनलाइन वेबसाइट या डोमेन परचेज कैसे किया जाता है, सीएमएस की भी बात थोड़ी देर पहले हुई है, तो सीएमएस क्या होते हैं, उनको परचेज कैसे किया जाता है, उसमें हम शॉपिफाई को मेजरली कवर करेंगे, और शॉपिफाई में स्टोर सेटअप का पूरा तरीका सीखेंगे। लोकल स्टोर सेटअप की दराज में किस तरह चीज हो रही है, आप किस तरह सेटअप करते हैं, स्टोर सेलर अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, ये सारी चीजें फर्स्ट मॉड्यूल में हम कोशिश करेंगे कवर करें। इसके साथ जो और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मैंने बता दी उनको मैं स्किप कर रहा हूँ, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसमें पेमेंट गेटवेज, आपने स्टोर तो सेटअप कर लिया, आपके पास एक कस्टमर आ भी गया है एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग से, लेकिन अब उसको पेमेंट करनी है, तो पेमेंट का मैकेनिज्म अगर प्रॉपर नहीं होगा तो आपकी सेल नहीं हो पाएगी। तो पेमेंट गेटवेज क्या होती है, पेमेंट के लिए क्या क्या चीजें आपको अपनी वेबसाइट, अपने ऑनलाइन स्टोर के पे सेटअप करनी होती है, ये सारी चीजें भी हम पढ़ रहे हैं। और सबसे पहली चीज आपकी वेबसाइट, एक डोमेन परचेज करना, ये किस तरह पूरी चीज होती है इसको भी हम देखेंगे। तो ये एक मतलब जो पहला मंथ होगा वही आप समझे कोर है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट, उसमें इनमें से सारी चीजों को हम कोशिश करेंगे कुछ हद तक जाकर। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा सेकेंड जो हमारा फिर एंड में कुछ और चीज है, स्वॉट एनालिसिस। अब आपने ये स्टोर सेटअप कर लिया, कॉमन बिजनेस सेट कर लिया है, उसकी स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है,
आपकी कंपेटिटर की स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है, उनके स्टोर की इसको किस तरह एनालाइज किया जाता है ये चीजें देखना, शॉपिफाई के थ्रू पेमेंट्स किस तरह होती है ये देखना, और आखिरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है केपीआईस। केपीआईस टर्म आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने पहले सुनी होगी, बहुत कॉमन टर्म है, एचआर और मार्केटिंग और कई फील्ड में यूज होती है। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स मतलब कुछ चीजें जो आपको ये बता दें कि आप जो कर रहे हैं काम वो क्या सक्सेसफुल है, या वो जो आप एफर्ट कर रहे हैं उसका रिजल्ट क्या है। तो कुछ आप परफॉर्मेंस मैट्रिक्स बना देते हैं, कुछ फैक्टर बना दे जिनके बेस पे आप ये देख सकते हैं कि आप जो एफर्ट कर रहे हैं कोई उसमें रिजल्ट मिलना। तो हम ये ई कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग के एस्पेक्ट से जो केपीआईज है उनको भी एंड में कवर करेंगे। इस तरह से हमारा फर्स्ट मॉड्यूल कंक्लूड होगा और सेकेंड मॉड्यूल की तरफ आएंगे जो कि आपको बेसिकली एडिशनल सपोर्ट देगा सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग में दो तरह की सोशल मीडिया मार्केटिंग पर हम बात करेंगे, ऑर्गेनिक एंड पेड। ये बहुत एक सिंपल टर्म है, इसको मैं एक्सप्लेन कर दूं। ऑर्गेनिक से मुराद ये ऐसे तमाम चीजें जो कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, जिसमें आप पैसे इन्वेस्ट नहीं कर रहे। मिसाल के तौर पर आपने फेसबुक पेज बना दिया, पोस्टिंग रेगुलरली कर रहे हैं, और आपको उन पोस्टिंग के थ्रू कोई क्लाइंट मिल जाता। पेड जो है वो अलग है, जैसे आपने मेटा, या अब जाहिर आप सब जानते होंगे या आपने बात सुनी कुछ लोगों ने कि फेसबुक इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को अब मेटा के अम्ब्रेला में वो आ गया है और मेटा मेन कंपनी हो गई, जो पहले फेसबुक हुआ कर। अब मेटा का फिर एक एड्स का सिस्टम है, पेड एड्स का, इसी तरह गूगल पे पेड एड्स का सिस्टम है, तो वो भी हम सीखेंगे, प्लस हम जो ऑर्गेनिक तरीका है पोस्टिंग्स का उस पर भी, ताकि आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट होंगे, ऑर्गेनिकली प्रोडक्ट को मार्केट और सेल कैसे करना और पेड फॉर्म में मार्केट और सेल कैसे करना। ठीक है, तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट। इसके बाद लास्ट मॉड्यूल, लास्ट बट सर्टनली नॉट द लीस्ट, और वो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। क्योंकि मैंने वो एक कहावत, आप बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स अभी हैं पहुंचे, तो जब हमने शुरू किया तो मैंने कोटेशन बताया उर्दू का है, जंगल में मोर नाचा तो इसने देखा, तो वो गूगल और सर्च इंजन की तो लिए तो बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि अगर आप सारी चीजें कर ले और आपकी विजिबिलिटी नहीं ऑनलाइन सर्च इंजन पे या पेड एडवर्टाइजिंग में, तो फिर कस्टमर्स आएंगे तो, लेकिन उस तादाद में नहीं आएंगे जो विजिबिलिटी के साथ आ सकते हैं। और विजिबिलिटी जो है ऐसा नहीं होता कि आज मैंने स्टार्ट की तो कल मैं विजिबल हो जाऊं। एसईओ एक ऑर्गेनिक प्रोसेस है जो कि टाइम लेता है। जैसे इसकी मिसाल देखिए, आप एक बीज फार्मिंग से आपको मिसाल दे रहा हूँ, वहां पे भी ऑर्गेनिक टर्म यूज होती है, तो आप एक बीज बोते हैं तो ऐसे में एकदम से जरा बन जाता है, उसमें टाइम लगता है। इस तरह से एसईओ में भी आप अपनी वेबसाइट, अपने ई कॉमर्स स्टोर के लिए एसईओ कर रहे हैं तो वो इट टेक्स मंथ्स टू गिव यू रिजल्ट, लेकिन फिर वो रिजल्ट आपको प्रोवाइड करता है। और वो चीज हम आपको बेसिक लेवल से बताएंगे कि व्हाट इज एसईओ, व्हाट इज ऑन पेज एसईओ, व्हाट इज ऑफ पेज एसईओ एंड व्हाट इज टेक्निकल एसईओ। एसईओ की आप जो चीज सीख जाएंगे तो आप एक वेबसाइट का ऑडिट किस तरह करते हैं ये चीज भी हम आपको बता रहे होंगे, क्योंकि ऑडिट करना इसलिए जरूरी होता है कि क्या आपकी वेबसाइट में वो सारे लवाजमान मौजूद है जो गूगल रिक्वायर करता है किसी भी वेबसाइट को रैंक करने के लिए। तो ये सारी चीजें जो है ना वो हम एसईओ के मॉड्यूल में कवर करेंगे। ठीक है, बहुत सारे आपके क्वेश्चन होंगे, ऑनलाइन स्टूडेंट आपके भी होंगे, चैट मैसेजेस में आपके नहीं पढ़ पाया हूँ, बट वी हैव टाइम, तो आप नोट करते थे और एंड में पूरे हम हाफ एन आवर इसी में डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब कुछ केस स्टडीज आपसे शेयर करूं, आपकी मोटिवेशन के लिए मैंने ये कलेक्ट की है, बहुत से लोग जानते होंगे जो पढ़ते रहते फॉलो करते रहते। इन साहब का कोई नाम बता सकता है? अगर आप गौर से देखें amazon.com लिखा है, वैसे आप बता नहीं है मेरे ख्याल में, बहुत मशहूर है ये साहब जो बैठे हैं, ऐसी कोई भी ट्राई करे जी। कौन कह रहा था, नाम बताइए। मोहम्मद मोहम्मद रैन, बिल्कुल सही जवाब है, क्लैपिंग प्लीज उनके लिए कर दीजिए। रैन जेफ बेजोस, वन ऑफ द बिलियनर्स, ठीक है, और अब वो ओन नहीं करते अमेज़न को, मतलब रिटायर हो चुके हैं, बट ऑब्वियसली जो उनका कंट्रीब्यूशन है वो डिस्कस करना आज के सेशन में बहुत जरूरी है, ताकि आपको मोटिवेशन मिले क्यों, किस तरह से ये फील्ड ने ग्रो किया है। देखिए अमेज़न जो है ना 90s में एक बुक स्टोर होता था, जैसे आप देख भी रहे यहाँ पे वो बैठे जानकर, ऐसी एक सिस्टम, तो उन्होंने वन रूम ऑफिस से स्टार्ट किया था, और इनकी अचीवमेंट ये कि इन्होंने इस वन रूम बुक स्टोर को एक ई कॉमर्स स्टोर बना दिया, और जो कि आज सिर्फ बुक सेल नहीं करता बट हर चीज सेल करता है। और ये जो ट्रांजिशन है, ये वैसे कहने को तो बहुत
आसान लगता है, बट इसके लिए एक मतलब माइंड, एक एफर्ट, एक क्रिएटिविटी जाएगी जो जेफ बेजोस ने अप्लाई की. और ये टॉप 10 बिलियनर में से एक है. अब जाहिर रिटायर हो गया तो उनकी वेल्थ उस तरह से नहीं है. और अभी इलॉन मस्क आई थिंक टॉप में जा रहे हैं, और सुनने में अभी बात ये कि हालिया खबर कि इलॉन मस्क ट्रिलियनर बनने जा रहे हैं, मतलब वो जो हालात वहां पे हैं. तो खैर जब बिल्कुल बिलियनियर है, और ये उनकी अचीवमेंट नहीं, वो बिलियनियर है तो है अचीवमेंट, बट असल अचीवमेंट कि उन्होंने एक बुक स्टोर को कन्वर्ट किया एक ई कॉमर्स स्टोर, जो कि मतलब वर्ल्ड रेनाउंड. ठीक है, दूसरी केस स्टडी अगर हम देखें हमारी लोकल दराज की है. एक सिंपल कॉन्सेप्ट से दराज शुरू हुआ, लेकिन वक्त 2023 के इनके स्टैट्स हैं, इसने ग्रो करके 7,50,000 प्रोडक्ट लो प्राइसेस पे उनकी सेल्स शुरू की. 11/11, 12/12 जैसी कैंपेन्स ये लेके आए. ठीक है, ऑल्दो जाहिर है पाकिस्तान में आपको पता है बिजनेस करना इतना इजी नहीं है, और इनकी वीकनेसेस स्ट्रेंथ दोनों अपनी जगह है, बट वन ऑफ अ काइंड कॉन्सेप्ट था पाकिस्तान में जिसने ई कॉमर्स को बूस्ट दिया है. तो ये भी बताना आपको जरूरी था इनके बारे में भी. तो पाकिस्तान में अगर हम देखें लोकल ई कॉमर्स की जो बिगनिंग है उसमें एक नाम दराज का भी है. इसी तरह अगर हम देखें तो एक एग्जाम्पल बड़ी मुझे जो दिल के मेरे करीब है, जैसे जेफ बेजोस की बात हुई, इन सबको भी आप जानते होंगे, जैक मा और अलीबाबा, एक और चाइना के स्टोर जो कि बहुत मशहूर है. अब अली अच्छा जैक मा भी जो है ना जेफ बेजोस की तरह रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने भी किसी और को लीडरशिप दे दिया. लेकिन आपको मजे की बात ही बताऊं कि वो जो लोग हैं उनको लोग इतना नहीं जानते होंगे जितना वो जेफ बेजोस या जैक मा को जानते हैं आज तक, बिकॉज उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन टू अस. जैक मा की अगर आप लाइव स्टोरी पढ़नी है तो इनको बहुत बार रिजेक्ट किया गया. हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इन्होंने अप्लाई किया, केएफसी में इन्होंने अप्लाई किया, और बहुत जगह इनको 20-25 अच्छी कंपनियों ने रिजेक्ट किया. जब ये जॉब के लिए अप्लाई करते तो इन्होंने सोचा मैं अपना ही स्टोर बना लेता, और इन्होंने कर्जे वर्जे लेके अपना स्टोर सेटअप किया, और अली बाबा को इन्होंने चाइना का एक नंबर 1 स्टोर. ठीक है, तो ये पूरी चीज है, और ये एक और केस स्टडी है हमारी. इसके अलावा जो है, अब आपको आखिरी एक एग्जांपल और फिर कुछ स्टैट्स है हमारे लोकल ई कॉमर्स मार्केट के. पॉप बीन्स आपने यूट्यूब पे चैनल भी आप फॉलो करते होंगे, और बहुत मशहूर चैनल भी है और बहुत मशहूर वेबसाइट भी है. एक और ई कॉमर्स स्टेट केस स्टडी है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के पाकिस्तान में, और इसकी ग्रोथ आप देख सकते हैं. 1.8 मिलियन टोटल डाउनलोड्स, 3.5 मिलियन इनकी डिस्क्लोज फंडिंग है जो कि टैक्सेबल या नॉन टैक्सेबल है 2022 के हिसाब से. 16.8 मिलियन वेबसाइट विजिट्स हैं इनके. यूट्यूब चैनल की अलग अर्निंग होगी, वो कम होगी ऑल्दो, लेकिन काफी इनकी अर्निंग. तो दराज की जरा पाकिस्तान की एक और केस स्टडी है, और इन सारे कंपनीज की कंबाइंड एफर्ट की वजह से जो ये 2023 से 2027 का डेटा है, रिसर्च एंड मार्केट्स जो हमारा एक वेबसाइट है वो ये कहता है कि 12.46 बिलियन का रेवेन्यू जो है जनरेट हुआ है 2023 में ई कॉमर्स के थ्रू पाकिस्तान में, और ये बढ़कर कहां तक जा सकता है 18.71 बिलियन इन 2020. यानी कि इस फील्ड में स्कोप, जैसे डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में बहुत स्कोप, इसी तरह ई कॉमर्स की फील्ड में अर्निंग के बहुत से मौके हैं. और जाहिर है तभी ये एक बहुत पॉपुलर लर्निंग कॉन्सेप्ट बन गया है आज के दौर. अब हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ बात है, फिर आपके क्वेश्चन है. यूएक्सएल एक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है, फिनटेक जिसको शॉर्ट में अगर हम कहें, फिन का मतलब फाइनेंशियल, टेक का मतलब टेक्नोलॉजी. हमारे जितने भी कोर्सेज होते हैं वो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के एस्पेक्ट में होते हैं. हम एफिलिएटेड हैं कुछ लोकल बॉडीज से, और उसमें नेशनल जो बॉडी है वो NAFTTC है, नेशनल वोकेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन, जो कि एक इदारा जो ट्रेनिंग्स को मॉनिटर करता है पूरे पाकिस्तान में. लोकल जो इसका एक और बॉडी जो सिंध के ट्रेनिंग्स को मॉनिटर करती है, उसका नाम है स्टेफ्टा, सिंध टेक्निकल वोकेशनल ट्रेनिंग एसोसिएशन. तो उन और यहाँ प्रोविंस में है, तो इन दोनों से हम एसोसिएटेड हैं. इसके अलावा सर्टिफिकेशंस के लिए हम ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड से भी एसोसिएटेड है. और हमारा देखिए विजन ये है कि इंडस्ट्री और एकेडमिया का जो गैप है उसको हम ट्रेनिंग्स के थ्रू क्लोज करें, ताकि लोग स्किल सीखकर कुछ अर्न करें. और बहुत से हमारे स्टूडेंट्स ने प्रीवियसली चीज की है, तो इसी ये भी कोर्स हो रहा है. अच्छा, इसके बाद हमारे सर्टिफिकेट की एग्जाम्पल है यहाँ पर, आप देख सकते हैं.
और ये जैसे ट्रेड इंडस्ट्री बोर्ड से भी एफिलिएटेड होते हैं, और एक हमारा पावर बीआई का भी कोर्स होता है जिसमें हम यूके के इदारे से भी एफिलिएटेड है जिसकी इंडोर्समेंट होती है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो फैसिलिटेटर्स हैं, जो सीईओ है यूएक्सएल के, फरहान सैयद कादरी साहब, उनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। उन्होंने बीए सप्लाई अकाउंटिंग यूके से किया हुआ है, ही इज अ ट्रेनर लाइक मी, और उन्होंने आई थिंक इस इदारे को फाउंड भी किया है, और जितनी कोर्सेज और अब तक की जितनी चीज है वो फरहान साहब ने विजन के जरिए पूरी चीज मंजर आम पे आई। और हमारा मेन कोर फोकस एक्सेल, डिजिटल मार्केटिंग, इसके अलावा पावर बीआई और जितने भी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कोर्सेज है उनका जो पूरा आइडिया और इनोवेशन है वो फरहान साहब के थ्रू ये पूरी हुई है। और बिकॉज ही इज अ ट्रेनर हिमसेल्फ इन द फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी फील्ड, तो उनके उस एक्सपीरियंस से भी कंपनी को बहुत ज्यादा गेन मिला। जहां तक मेरी बात है, मेरा नाम सैयद आसिफ अशरफ है, जो लोग पहली बार आज आए हैं तो नाम मैं बता रही, मैं शुरू में हमारा थोड़ा डिस्कशन हुआ था। मेरी एजुकेशन जो है, देखिए मैंने दो मास्टर्स किए हैं, एक एमबीए मार्केटिंग में कराची यूनिवर्सिटी से, इसके अलावा मास कम्युनिकेशन में मेरी एक डिग्री है जर्नलिज्म में, इसके अलावा मैंने डिजिटल मार्केटिंग ई कॉमर्स की जहां तक बात है गूगल से सर्टिफिकेशन की भी है। जेनरेटिव एआई, क्योंकि आपको पता है दोहरी हर तरफ आपको दो लफ्ज ही सुनने को मिलते हैं एआई एआई, तो एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी कोर्स मैंने लिंक्डइन लर्निंग से यहाँ पे एआई पे किया हुआ है। स्टैट्स में मेरा एक डिप्लोमा है, इसके अलावा मैंने क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड पे सर्वर्स की मैनेजमेंट और क्लाउड कंप्यूटिंग किस तरह होती है ये मेरी एजुकेशन है। इसके अलावा मेरा 15 से 18 साल का ट्रेनिंग एनवायरमेंट का एक्सपीरियंस है, और मैंने इस दौरान लोकल प्रोजेक्ट भी किए और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट भी किए, जिसमें खास तौर पे मेरा जो फोकस रहा है वो ट्रेनिंग और मार्केटिंग की तरफ, और अर्निंग थ्रू ऑनलाइन मार्केटिंग डिजिटल। तो ये एक मेरी छोटी सी प्रोफाइल है। इसके बाद जो है, अगर आप नैफटेक की कुछ इमेजेस देखें तो हमने बहुत सारे ओवर द इयर्स, 5 इयर्स से ज्यादा इस इंस्टीट्यूट को हो गए हैं, तो ओवर द इयर्स हमने बहुत सारे मतलब प्रोजेक्ट्स किए नैफटेक के साथ, और उसमें कुछ तस्वीरें हैं। पोर्टफोलियो अगर आप देखें, यानी हमारे जो फैसिलिटीज है उसमें हमारी लैब है, एक लैब ये है और दो लैब और भी है जहाँ रेगुलर कोर्सेज होते हैं, कभी कभी मल्टीपल कोर्सेज भी हो रहे होते हैं साइमल्टेनियसली, मतलब एक कोर्स इस लैब में, दो कोर्सेज और होने और मल्टीपल ट्रेनर्स होते हैं। एक तस्वीर है ये सेशन जो इन प्रोग्रेस है। इसके अलावा जो है कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो की बात करें तो हमने बहुत सारे इंडस्ट्रीज में क्लाइंट्स के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम किए हैं, इसमें टेक्सटाइल सेक्टर भी है, बैंकिंग सेक्टर भी है और बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिनमें हमने ट्रेनिंग डिलीवर की हैं। इसके अलावा जो है ऑनलाइन सेशन भी, क्योंकि देखिए बहुत से लोग कोविड के बाद से एक जो ट्रेंड आया है वो ये है कि बहुत से लोग कहते हैं हम फिजिकली ट्रेनिंग अटेंड करें और कुछ लोग कहते हैं हम ऑनलाइन करें। अभी भी हमारे माशाल्लाह से बहुत से सेशन, बहुत से पार्टिसिपेंट जो है आपकी तरह वो ऑनलाइन भी हैं और उनके लिए भी क्वेश्चन आएंगे, तो ये भी चीज पूरी हमारी मतलब जो भी हमारे ट्रेनिंग्स होती है उसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन हमारे दोनों सेशंस हो रहे होते हैं, और ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह एक स्क्रीनशॉट है एक ऑनलाइन सेशन का। ठीक है। इसके अलावा जो कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं उसमें नीचे आप जो इदारे देख रहे हैं इनसे तो हम एफिलिएटेड है, जिसमें फाइनेंस आईएफए फाइनेंशियल अकाउंटेंट, जैसे मैंने आपको बताया एक इंटरनेशनल बॉडी है जो पावर बीआई की जो हमारे सर्टिफिकेशन होती है उनको इंडोर्स करती है, नैफटीटीसी जो स्टेफ्टा जो है वो बेसिकली हमारी लोकल बॉडीज है, एक नेशनल लेवल पे एक प्रोविंशियल लेवल पे। बेनजीर भुट्टो शहीद प्रोग्राम जो है इनके साथ भी हम एसोसिएटेड हैं, इनके कोर्सेज भी हमने कराए, ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड के साथ भी हम एसोसिएटेड हैं ताकि जो सर्टिफिकेशन मिले वो प्रॉपरली वेरीफाइड हो, प्रॉपरली ऑथेंटिक हो। बहुत से लोग ये चीज होती है कि हमने कोर्स कर लिया, डिग्री हासिल कर ली या सर्टिफिकेशन, लेकिन उसकी वैल्यू नहीं है, तो उसकी वैल्यू जाहिर है ये बोर्ड और ये इदारे फिर इंडोर्स करते हैं। और जो हमने प्राइवेट सेक्टर में प्रोजेक्ट्स किए उसमें आप नाम देख सकते हैं निजाम बैंक, यूबीएल, एंग्रो और ये बहुत सारे कंपनीज हैं इसके लिए हमने ट्रेनिंग प्रोजेक्ट्स ओवर द इयर्स डिलीवर किए। इसके बाद जो है हमारा एक एलएमएस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, यानी कि जो ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टूडेंट्स होते हैं वो जाहिर है आपने एक लेक्चर अटेंड कर लिया, आप चाहते हैं कि वो लेक्चर दोबारा सुने, तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं बहुत सारे, क्योंकि लर्निंग स्पैन ना जो साइंस है वो कहती है 30 सेकेंड, 60 सेकेंड, कुछ लोगों 60 सेकेंड होता है, कुछ लोगों 1 मिनट, लेकिन कॉमनली लोगों का लर्निंग स्पैन जो होता है वो 30 सेकेंड होता है। तो
तो उसमें ये है कि बहुत से लोग भूल जाते हैं चीज, तो उनको दोबारा उसको रिकैप करना होता है। तो उसके लिए हमने एक एलएमएस सिस्टम बनाया हुआ है जिसमें आप कोर्स को डाउनलोड भी कर लें, ऑडियो सुन लें, ये भी सेशन रिकॉर्ड हो रहा है ताकि आज जो लोग नहीं आ सके डेमो के लिए वो उसको फिर सुन सके बाद में। तो ये सिस्टम है और जिसके थ्रू फिर आप कोर्स के बहुत सारे कॉन्टेंट को भी एक्सेस कर सकते हैं, ये भी हमने अपना क्रिएट किया हुआ है। इसके अलावा जो है, अब आखिरी बहुत मेजर बात, क्योंकि कोर्स का जो शेड्यूल है और जो सारी चीजें और जो फीस स्ट्रक्चर है वो आपको बताना जरूरी है, फिर आपके सवाल आते। अच्छा जी, अब जो फीस स्ट्रक्चर है वो बेसिकली इट्स अ 3 month कोर्स, तो इसमें दो मेखा में ऑफर ध्यान से आपको बताए गए। एक तो ये है कि आप लमसम पेमेंट कर सकते हैं 13,500 की, या आप अगर पर मंथ कोर्स की पेमेंट करना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन है 5,400, और ये एक ऑफर है September 15, 2024, ठीक है। बिकॉज नेक्स्ट वीक से हम इंशाल्लाह थर्सडे से कोर्स को लॉन्च कर रहे हैं, कोर्स स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें जो भी चीज आपके लिए फिजिबल हो, कन्वीनियंट हो, आप कंसिडर कर सकते हैं। बाकी इस ऑफर में ये भी ये कुछ फायदे हैं, मैं आपको एलएमएस का एक्सेस और वो सारी चीजें जो भी कोर्स के पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको मिलता ही है, और उसमें 2 hours एक्स्ट्रा भी है बोनस इस ऑफर में, और ये हमारी एक स्कीम है, और इसके लिए आप हमारी सेल्स टीम से भी कोऑर्डिनेट कर सकते हैं जो भी अभी क्वेरीज हो। ठीक, इसके बाद अब शेड्यूल पे अगर हम आ जाए तो क्लास में हमारी 2 days होंगी, 2 days अ वीक, थर्सडे एंड सैटरडे, सेम टाइमिंग जिसमें डेमो हुआ है 7:30 to 9:30 PM, और टोटल कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो 3 months है, इट्स अ 3 month कोर्स। जैसे मैंने आपको बताया फर्स्ट मंथ में हम ई कॉमर्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे और थोड़े डिटेल कॉन्सेप्ट की तरफ जाएंगे, सेकंड मंथ में हम सोशल मीडिया मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे, और लास्ट मंथ में हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की तरफ करेंगे। तो और इसका गेन ये है कि आप एक सर्टिफाइड ई कॉमर्स एक ईसोकान स्पेशलिस्ट बने, और आप अपने बिजनेस के लिए एक ऑनलाइन स्टोर कोचिंग से लेकर उसकी प्रॉपर मार्केटिंग तक क्या क्या चीजें हैं वो सीखें, और उसके थ्रू अर्निंग करें। सब लर्निंग लीड्स टू अर्निंग ये कहा जाता है, और ये हमारा भी मकसद ये चीज है। बाकी ये कुछ पेमेंट मैकेनिज्म है ये आप देख लीजिएगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी आपको फॉरवर्ड कर दिया होगा सेल्स टीम ने, वो भी आपको मिल जाएगा। फेसबुक और सोशल मीडिया पर हम मौजूद है, तो हम अगर आप हमारी पुरानी ट्रेनिंग्स वगैरह देखना चाहते हैं, गो थ्रू करना चाहते हैं, तो हमारे सोशल मीडिया लिंक्स हैं और उनको भी आप फॉलो कर सकते हैं, यूएक्स के लिए आप अगर ढूंढने तो मिल जाएंगे। तो यहाँ पे सेशन हमारा एंड हो गया है। बिफोर मैं आपके क्वेश्चन एड्रेस करूँ, मैं चाहूंगा कि ऑनलाइन स्टूडेंट से काफी क्वेरीज आई हुई है, तो उनसे भी उनकी क्वेरीज मैं चेक कर लूँ, फिर एक एक करके मैं सबके क्वेश्चन एड्रेस करूंगा। हाँ अच्छा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप के क्वेश्चंस हो तो आप चैट पर लिख सकते हैं, और प्लीज आपके बहुत सारे क्वेश्चंस मैं एक एक करके रखूंगा पे, आप पूछ लीजिए मुझसे। सेशन कंक्लूड हो गया है और आप बात कर सकते हैं। पहले मैं मानता हूं रवि काफी टाइम है, और आपके जो क्वेश्चन हो हम सारे क्वेश्चन एड्रेस करेंगे, तो आप अब पहला क्वेश्चन जो है मैं एड्रेस कर ऑफलाइन, फिर आप ऑनलाइन सॉरी फिर आपकी तरफ आ रहा हूँ। मोहम्मद अमान ने हमसे पूरे यही पूरी चीज मैंने एक्सप्लेन की है जो हमारा प्रीवियस बना और गुजरा है, और यही हमारा ऑब्जेक्ट है, आप स्टोर किस तरह सेटअप कर दें, उसकी ऑनलाइन किस तरह कर दें, उसके लिए सीएमएस को मैनेज किस तरह से, ये सारी चीजें आप कर पाए, यही हमारा ऑब्जेक्ट। तो हमारा अगर आप मुझे सुन पा रहे तो मैंने आपका क्वेश्चन एड्रेस कर दिया। यहां से कोई क्वेश्चन प्लीज। जी सर, समी सर, समी प्लान सर वैसे भी आज मैं फ्री तो था, जी पहला क्वेश्चन के लिए एड्रेस रजिस्ट्रेशन में से थोड़ा ऐड करना था। गुड, दिस सपोज सर इफ आई डोंट नो एनी एचटीएमएल लैंग्वेज एनी सीएसएस लैंग्वेज,
तो तब भी मैं इसको जरा बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा क्लियर क्वेश्चन है आपका, क्योंकि बहुत से लोगों के जहन में क्वेरी होगी। देखिए ई कॉमर्स या डिजिटल मार्केटिंग के लिए जो मेरा तजुर्बा है थोड़ा सा, मैं उस पर मैंने कोडिंग भी की है, क्लाउड कंप्यूटिंग हमने सीखी थी थोड़ी सी, लेकिन मैं ऑब्वियसली आपको बताऊं मैं कोडिंग से दूर भागता हूँ थोड़ा, बिकॉज अब जाहिर अब जो दुनिया एआई की आ रही है उसमें तो यहाँ पे बोल रहा है कि आप एआई को कहें तो वेबसाइट आपकी वो खुद डेवलप करता हूँ, वो कोड भी लिख देता। तो मैं ये नहीं कह रहा कि कोडिंग की इंपॉर्टेंस नहीं है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, बट इस कोर्स में वो सारी चीजें नहीं है, बिकॉज वो एक ई कॉमर्स स्टोर रन करने के लिए, एसईओ के लिए या डिजिटल मार्केटिंग के लिए नेसेसरी नहीं। तो उसका पहला क्वेश्चन है पाइथन तो बहुत एडवांस है, एचटीएमएल सीएसएस हम थोड़ा सा बेसिक उसको टच जरूर करेंगे, बट जो कोडिंग एस्पेक्ट में थी जनरल नॉलेज जैसे अभी आपने कहा ना वो सीएमएस सीएम, बिल्कुल बिल्कुल उसके लिए। सीएमएस हाँ उसके लिए मैं बिल्कुल आपको उसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो बहुत सिंपल है लोग कोई भी सीख सकता है जिनमें कोडिंग इन्वॉल्व नहीं है, तो वो हम जरूर टेस्ट करेंगे। तो एक सेकंड क्वेश्चन है प्लीज प्लीज ये डेट बेस होते हैं मतलब बहुत कॉमनली हम सुनते हैं कि एक और पाकिस्तान में अवेलेबल समझे। हाँ और हम मतलब फॉर एग्जांपल मेरा एक स्टोर रन हो रहा है और मैं हाँ कोई पूरा सी सर्विस वगैरह देखा रहा इंटरनेशनल ग्लोबली अब मैं चाहता हूँ कि मेरी पेमेंट आए अब मैं पेमेंट के लिए हाँ नहीं कर पा रहा हूँ मैं इसका देखिए इसका आंसर ये है, थोड़े दिन पहले यहाँ पे आजाद चाय वाले साहब ने एक इवेंट करवाया था ये एक्सपो सेंटर में, आई थिंक कुछ महीनों पुरानी बात है, तो वहां पर हमारी मुलाकात हुई, काफी ऐसी कंपनीज के स्टॉल्स थे जो कि आपके लिए इंटरनेशनल अकाउंट्स ना क्रिएट करा, मतलब एज ए इंटरमीडियरी काम करते हैं, ऑब्वियसली पेपैल तो कब से आ रहा है आया नहीं है, बट जो लोग बिजनेस ऑनलाइन करना चाहते उनको फैसिलिटेट करके पेमेंट्स करा रहे, और उनके थ्रू जो है ना बहुत सारे बिजनेस अभी मैनेज अपनी पेमेंट्स कर रहे। सर मैं सॉरी आपका क्वेश्चन था रिफ्रेश रिसीव हाँ करना चाहता हूँ पहले सर देखिए थर्ड पार्टी तो बहुत सारी अवेलेबल है इवन हमारे हाँ पास यहाँ पर एचबीएल है जो आपको गेटवे देता है बिल्कुल तो एनुअली जो है वो हर 40,000 रुपये आपको चार्ज करता है और पूरा देता है लेकिन यहाँ पर पॉइंट ये आता है कि इंटरनेशनल क्लाइंट्स है ना वो ट्रस्ट करते हैं पेपॉल पर वो इतने लंबे चौड़े जो है फॉर्म ओपन करना हाँ उनके लिए हटे होता है नहीं मतलब पेपैल के लिए भी बहुत सारी अब ऐसी कंपनीज आ गई हैं जो कि आप समझे वो आपको थर्ड पार्टी तो ऑब्वियसली वो है, तो डायरेक्ट एक्सेस तो लीगली अभी है नहीं, लेकिन वो इजी इज ऑफ बिजनेस उन्होंने कर दिया, मतलब आप बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर से बगैर क्लाइंट को सेटिस्फाई करके अपनी पेमेंट्स रिसीव भी कर सकते हैं और कर भी सकते हो, ये हम इस इस क्लास क्लास में हम उसको कवर करेंगे पेमेंट गेटवेज में कवर। में अच्छा सर जैसे आपने एक तो पेड एसईओ की बात की और एक ऑर्गेनिक एसईओ की बात की ऑर्गेनिक एसईओ में अगेन सेम क्वेश्चन थे उसमें कोई हम कोडिंग ना करेंगे लाइक नहीं, कोडिंग नहीं, उसमें जरूरी नहीं नहीं उसमें जरूरत नहीं, क्योंकि उसमें फैक्टर्स हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, ऑन पेज ऑफ पेज टेक्निकल टेक्निकल में कुछ चीज है बट वहां भी कोडिंग इन्वॉल्व है, ठीक है ना, और उनमें टूल्स ऐसे बहुत सारे हैं जो बगैर कोडिंग के आपका वही काम करते हैं जो कोडिंग से। सर मैंने एक बार फिर सुना था मुझे नहीं पता कि हाँ इतना फ्रेंड था कि कोई जो है ना कीवर्ड हो गया या फिर लिंक्स वाला था उसकी दूसरी बॉक्स में जाके एंटर डालेंगे तो ये एसईओ वगैरह एक हो जाता है उसका नहीं फाइनल इतना पेज सिंपल नहीं है, मैं आपको फिर पूरा कोर्स में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। बेसिकली देखिए मैंने आपको ये भी जो हमारा डिस्कशन हुआ उसमें मैंने यही चीज की कि एसईओ टेक्स टाइम, जैसे मैं आपको प्लांट वाली एग्जांपल दी कि वो सीड से पूरी ग्रोथ होती है, वो कॉन्सेप्ट ये होता है बैंक का, तो ये मतलब जो एसईओ के लोग प्रोफेशनल उनको तो हार्ट अटैक हो जाएगा सर सर पेड़ तो देखेंगे मुमकिन है लेकिन ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक है बट नॉट इन अ वीक, मंथ हो सकता है, 3 वीक्स हो सकता है, बहुत एफर्ट के बाद, बट इट टेक्स टाइम, तो मगर हो जाता है एंड विदाउट कोडिंग। थैंक यू, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, और कोई सवाल? जी जी ना मतलब आई गेस है, जी सर जैसा आपने इसमें बात की कि हम उसमें डोमेन के बाद इसके अंदर हमारा एक टूल आपने बताया करेंगे तो हमें नीचे हमारी जो कॉस्ट होगी वो क्या होगा तो क्या प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है क्या हमें भेजना है वो तो हम हमारा काम है उसको क्या कैसे करना है आगे जाके ये कोर्स के बाद हमें इसको सेटअप करना है तो देखिए बेसिकली हमें इनिशियल कॉस्ट, इनिशियल कॉस्ट क्या होगी देखिए इनिशियल कॉस्ट से भी पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपको नॉलेज और स्किल पहले जरूरी है कि आपको ये पता हो
कि मैं कॉस्ट इन्वेस्ट कर रहा हूं तो क्या उसका गेन भी मुझे मिले, क्योंकि अगर आप स्किलफुल नहीं होते तो फिर कॉस्ट आप इन्वेस्ट कर लेते और आप मुझे रिटर्न ना मिले, शायद बाय लक मिल जाए। लेकिन जब आपको नॉलेज और स्किल दोनों है तो फिर आपको आप अगर कॉस्ट इन्वेस्ट भी कर रहे हैं तो आपको भी उसका गेन मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि देखिए आपको पहले तो ये सीखना है कि डोमेन को अक्वायर कैसे करना है, उसका सेटअप कैसे होगा, कौन सी ऐसी वेबसाइट है जो आपको सबसे लो कॉस्ट ऑफर करेंगे, और हम उसमें इनिशियली कोशिश करेंगे फ्री जो एरिया है उनको मोस्ट इजीली सब एक्सेस भी कर सकते हैं, बजटरी कंस्ट्रेंट भी कोई नहीं होगा, उससे आपकी लर्निंग होगी। जब आपकी लर्निंग हो जाएगी तो फिर आप रियल चीज कर पाएंगे, बट रहे आप कोई भी चीज करने जा रहे हो तो पहले वो लर्न करना जरूरी है। जैसे फर्ज करें कि आपने फेसबुक कैंपेन बनानी है या एक गूगल एड्स कैंपेन बनाए तो उसमें इन्वेस्टमेंट होती है, बट हम जब लर्न करेंगे तो हम उस वक्त इन्वेस्ट नहीं करेंगे, पहले आपको हाथ साफ एक चीज पे करना होता है, और फिर आपको ये स्किल आ जाएगा कि अगर मैं इन्वेस्ट भी करूंगा तो मुझे सेल और कन्वर्जन मिल जाए। तो वो हमारी कोशिश होगी कि हम फ्री टूल्स के थ्रू ही जाए और फिर आपको वो कॉन्सेप्ट दे देंगे, अगर आप पेड में भी जाते हैं तो फिर आपको उसका गेन, और कितना होगा इनिशियली तो नहीं होगा, जाहिर कोर्स के बनाम तो नहीं है, बट जब होगा तो वो पूरी चीज आपको बताई जाएगी कि किस तरह करना है, और यही कोर्स का मकसद, और कितने मतलब, और वो बहुत मतलब ऐसा नहीं कि बहुत कॉस्ट आप इन्वेस्ट कर रहे हैं या ऐसी कोई बात है, मतलब मिनिमम, ताकि बहुत से लोग इसी से घबराते हैं, लोग पढ़ते नहीं, कितने नहीं कॉस्ट बिल्कुल। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, लेकिन लेकिन आपके लिए गुड न्यूज ये है कि बाहर की दुनिया में फ्री टूल इतने दिए हुए कि आप उससे अपनी पूरी लर्निंग करके और विन कर सकते हैं, और इसीलिए मैंने आपको कहा कि अगर पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान फोर्थ आया है फ्रीलांसिंग में इतने सालों के बाद, तो वो यही वजह है कि बहुत से लोगों के पास शायद इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी नहीं थी, उन्हें पहले स्किल को अपने परफेक्ट किया और फिर उसको और फिर उन्होंने रिजल्ट ला के। नहीं नहीं देखिए अब ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अब पाकिस्तान के साथ अगर आप कंट्रीज देखें तो उसमें इंडिया, बांग्लादेश और ऐसे सारे कंट्रीज हैं जो कि शायद मतलब उनसे कंपैरेटिवली इकोनॉमी उनकी बेटर ना हो या गरीब हो, इंडिया की तो खैर बहुत बेहतर है, लेकिन पॉइंट ये है कि उनके पास दो कंस्ट्रेंट है जो हमेशा से बात होती है, एक उनके पास टाइम का कंस्ट्रेंट है और एक उनको लो कॉस्ट लेबर मिल रहा है, मतलब जो सच्ची बात है, क्योंकि हमारे लिए वो बहुत, क्योंकि हमारी करेंसी में डिफरेंस इतना है कि वहां उनको लो कॉस्ट लेबर लगता है लेकिन हमारे लिए वो बहुत फायदेमंद, तो वो जो गैप है ना ये कि उन और टाइम का जो फैक्टर आता है कि वो चीज वो खुद करें उससे अच्छा, वो कहते हैं कि हमें कम कॉस्ट में एक अच्छा स्किल रिसोर्स करके दे देगा, तो वो फिर इस तरह आउटसोर्स होता है, फिनिश हो जाता है, और इसीलिए इकोनॉमी और ये पूरा साइकिल $50 जो है आप 50 कह रहे हैं, लोग तो 25 में बता देंगे, देखिए मैंने आज वीडियो बना रहे होते हैं यूट्यूब पे आते हैं, आज मैंने $25 गाँव से भी बना रहे, बट ये है। और देखिए मैं आपको बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि आप कोर्स करेंगे एकदम से चीज होगी, ऐसा नहीं, इट टेक्स टाइम, कंसिस्टेंसी, लेकिन आप कोई भी चीज कंसिस्टेंट करते हैं उसका रिजल्ट आता है। सबसे प्राइम एग्जाम्पल जो है वो अरशद साहब की, अरशद अदीम साहब को पहले गोल्ड मेडल नहीं मिला लेकिन जब मिलना तो मिल गया, बिकॉज वो कंसिस्टेंट, या और ऐसे ही होता जी। और कोई क्वेश्चन यहां से था? सर, जी, पूछो। मैं पूछना ही चाह रहा हूँ कि हम ये कोर्स कर लेते हैं, कोर्स करने के बाद सर पैसे बात है एकदम से आप छोटा मतलब आज हूँ करेंगे, हमें टाइम लगेगा हाँ बनाने के लिए, हाँ हम उसको बता लेते हैं, आपने मेरे स्किल्स हमने चाहिए हाँ सर, इसमें हो सकता है टाइम 2 महीने लगे, 3 महीने लगे और 6 महीने लगे, हाँ 3 महीने बाद जो हमने कोर्स में पढ़ा वो सब भूल जाएंगे, तो सर आप पक्के पाकिस्तानी नहीं, हैं देखिए उसके लिए सर, सर मेरा मतलब ये है कि उसके बाद आपको कॉन्टेक्ट करना हाँ पड़ेगा आप कर सकते, आपका सेल सर नहीं बिल्कुल बिल्कुल होती है, आप वैसे मेरा एक ईमेल है उस पर आप बिल्कुल मुझसे, और मेरे अभी भी स्टूडेंट करते हैं जो पहले भी नैपटेक के, मैंने 2 बैचेस रिसेंटली कंप्लीट किए उसके स्टूडेंट भी मुझसे कांटेक्ट में, यार सारे लोगों में कहते थे बस से मान लो हाँ सब हाँ एग्जाम नहीं देंगे बिल्कुल, यही मतलब एक कोच या ट्रेनर का रोल होता है, और बिल्कुल रहेगा, इंस्टीट्यूट है अवेलेबल आप बिल्कुल, हाँ ये बहुत अच्छी टर्म है जी मालूम साहब, सर, मुझे पूछना ये है कि हम सिर्फ दराज का ही सीखेंगे या हम शॉपिफाई भी सीखेंगे? हाँ नहीं देखिए हम 3 चीजों पे कोशिश करेंगे कि उनको हम सीखे, अमेजोन अफिलियट्स, अमेजोन का जो स्टोर का कॉन्सेप्ट है उस पर कुछ बात होगी, शॉपिफाई में मेन बात होनी, और दराज पे, तो ये तीनों को हम टच जरूर करेंगे लेकिन मेन फोकस हमारा शॉपिफाई और दराज। हम प्रोडक्ट हंडलिंग भी सीखेंगे जी, प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट लिस्टिंग,
प्रोडक्ट को अपलोड कैसे करना है वो सारी चीज आप आउटलाइन आपसे शेयर हुई होगी उसमें है। पाकिस्तानी नहीं चूंकि आप शॉपिफाई भी सीख रहे हैं अमेजोन एफिलिएट्स की तरफ भी जा रहे हैं तो आपको दोनों चीजें आए मतलब वो आपको स्किल ही मिल जाए। अब आपकी चॉइस है आप लोकल सेल करें या नहीं। हाँ देखिए ऑल्टरनेटिव है बट वो हम ई कॉमर्स मॉडल्स का जो मॉड्यूल है सब मॉड्यूल्स को मैं कहूंगा तो उसमें हम ड्रॉप शिपिंग के साथ जितनी चीजें और होती है वो पढ़ेंगे तो फिर उसमें ऑल्टरनेट भी डिस्कस होंगे। ड्रॉप शिपिंग जाहिर है बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से एड्स? एड्स मेटा एड। हाँ देखिए मेटा एड में, मेटा एड में स्क्रैच से कैंपेन को रन करना, कैंपेन को डिजाइन करना, उसके 3 स्टेप्स होते हैं और गूगल एड्स में भी 3-4 स्टेप्स होते हैं, ये भी होते हैं। तो उसमें सबसे पहले कैंपेन को इनिशिएट करना, फिर उसमें कीवर्ड एसईओ और अलग अलग कैंपेन्स होती हैं, अलग अलग ऑब्जेक्टिव की कैंपेन होती है, सेल्स की भी हो सकती है, इसके अलावा अवेयरनेस की भी हो सकती है। जैसे आपको एग्जाम्पल दूं कि 2 तरह के प्रोडक्ट हो सकते हैं, एक वो जो बिल्कुल नया आप लॉन्च कर रहे हैं जैसे क्विज स्कूला मिसाल के तौर पे वो लॉन्च हुआ है अभी। अब क्विज को तो लोग जानते हैं लेकिन क्विज स्कूला को लोग नहीं जानते, तो उसमें आप जो अगर उसकी आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं या ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हैं तो पहले अवेयरनेस क्रिएट करें और ये मार्केटिंग फनल में हम पढ़ेंगे कि ये क्या है। तो अवेयरनेस जब हो जाएगी तो फिर सेल्स की तरफ आप जाएंगे। मतलब उसमें जो जो रिक्वायरमेंट होती है गूगल की या मेटा की वो हम आपको सिखाएंगे कैसे आपको फुलफिल करना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वो अभी तो आपको देखिए प्रैक्टिस के लिए तो खुद ही बनाना है लेकिन जब आप रियल टाइम में करेंगे तो अब तो बहुत से टूल्स हैं जिनके थ्रू आप डिजाइन करते हैं बट है ना आपका कोर आइडिया तो आपका ही होता है और आपको जो क्लाइंट प्रोजेक्ट देता है वो आपको फिर बताता है इसकी क्या रिक्वायरमेंट है। अब देखिए 3 चीजें हो सकती है, या तो अपने बिजनेस के लिए चीज कर रहे हैं सोल तो आपको खुद ही डिसाइड करना है, लेकिन अगर आप किसी क्लाइंट के लिए कर रहे हो तो वो आपको एक गाइडलाइन दे देगा फ्रीलांसिंग में बात कर रहा हूँ। और अगर आप फर्ज करें एक जॉब नहीं कर रहे किसी कंपनी में तो फिर वो कंपनी की जो डिटेल और पॉलिसी है वो आएगी, लेकिन आपके पास टूल मौजूद है कैनवा को हम कवर करेंगे। कैनवा से बहुत सारी चीजें हो सकती है जैसे उन्होंने प्रोडक्ट क्रिएशन और उसकी चीज बात की तो वहां भी वो है, फेसबुक में भी है, एड्स में, गूगल के लिए भी है। हाँ इवैल्यूएशन का देखिए एक तो मंथली असेसमेंट होगा, हर मॉड्यूल का एक असेसमेंट होगा और फिर एक प्रोजेक्ट कि आप सबको प्रोजेक्ट ये मिलेगा कि आप अपना ई कॉमर्स स्टोर सेटअप करें। चलिए उसको हम समझ लें स्केलेटन स्टोर लेट सपोज, बट ताकि हम ये स्टोरों का रियल भी कर सकते तो वही वही आपका स्किल टेस्ट होगा उसमें प्रैक्टिकल वर्क उसमें आप सेल जनरेट मतलब एक आप कॉन्सेप्ट समझे कि सेल्स पे आएगी ऑर्डर आएंगे वो सारी चीज प्रोजेक्ट होगा। जी बहुत अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, और कोई क्वेश्चन किसी का हो? ऑनलाइन स्टूडेंट जो बेताब होंगे बहुत मदद कर रहे सर हैं। मेरा और कर जी देखिए यूट्यूब जो सकते ज्यादा वो होता है ना मतलब कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं तो हम अपना पेज पे लॉन्च कर बिल्कुल मैं इसको बता दूं, मैंने जैसे ऑर्गेनिक सोशल मीडिया मार्केटिंग में आपको बताया ना ऑर्गेनिक भी हम सीखेंगे और पेड भी हम सीखेंगे। तो पेड में तो देखिए गूगल एड्स में बहुत सारे टाइप ऑफ एड्स आ जाते हैं, एक सर्च एड है जो आपको सर्च इंजन पे नजर आ रहा है, एक एड हुआ जो हर वक्त आप जैसे आप मैच देख रहे हैं और एकदम से गुलामद लॉन का एड आ जाता है यूट्यूब पे तो दैट इज अ वीडियो एड तो वो भी हम सीखें। तो और इसके अलावा जो है दूसरी आपने जो इंस्टाग्राम की बात की तो इंस्टाग्राम और फेसबुक ना चूंकि वो एक ही अब एक सिस्टर कंसर्न बन गया तो अगर आपको मेटा एड्स आ गया तो आप फेसबुक पे भी रन करना सीख जाएंगे इंस्टाग्राम पे और एनीवन ऑन सेकंड व्हाट्सएप। क्वेश्चन प्लीज मुझे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के अंदर जो अमेज़न है उसके ऊपर हम लोग पढ़ सकते हैं अमेजोन बना के रन कर लें बिल्कुल अमेजोन एफिलियट्स का जो प्रोग्राम है या वहां पे किस तरह पूरी चीज वर्क होती है तब आप उसको उसको भी कवर देंगे बिल्कुल कवर। वो है बात। जी नाम बताइए प्लीज। उसामा जी जी सर सर मेरा सवाल ये है कि इस तरह
सही तो ऑनलाइन जो स्ट्रेटेजी अप्लाई कर दिए ना, जो कहीं पे नॉट अबाउट टूल है, टूल के अलावा है, इसमें उसपे यूं भी बात होगी कि इसको टूल आता है वो करेंगे। वेरी बिल्कुल बहुत वैलिड क्वेश्चन। देखिए वो सब एक लर्निंग के स्टेजेस होता है, लंबी आपको चीज सीखने जाते हैं, और लर्नर की टाइप्स होती है। एक लर्नर होगा जो बहुत जल्दी पिक कर लेता है चीज, एक लर्नर को थोड़ा टाइम लेता है, एक लर्नर फ्रेश कॉन्सेप्ट से आता है उसका माइंड क्लियर होता है, एक लर्नर ऐसा है जो कि उसके माइंड में कुछ चीजें होती है ऑलरेडी। तो हम जो ट्रेन उनको करता है तो वो सबको एक तरह से लेके चलता है, और स्टेज बाय स्टेज चीज होती है। पहले अगर आपको स्किल नहीं आता तो स्किल मिल जाए आपको, पहली बात ये होगी। उसके बाद आपको टूल नहीं आता, टूल मिलता है, और तीसरी चीज है फिर उसको यूज कैसे करना है, यानी स्ट्रेटजी। तो ये वो बहुत स्ट्रेटेजी का ये हिस्सा यानी ये बेसिक से लेकर स्ट्रेटजी तक जाएगा, क्योंकि मगर बेसिक इसलिए जरूरी है अगर आपको टूल ही नहीं पता या उसकी नॉलेज नहीं है तो फिर स्ट्रेटजी अप्लाई कैसे। लेकिन अप्लाई करना बिल्कुल वो तो मेन चीज है, ताकि है। मैंने सर बहुत सारे लोग देखे, हाँ मार्केटिंग का कोर्स किया है, ई-कॉमर्स का कोर्स किया है, लेकिन वो बोलता है भाई अब जो ई-कॉमर्स बिजनेस कर रहे हैं प्रॉफिटेबल है, वो बोलते हैं इस तरह नहीं है कि प्रोडक्ट भाई ऐड चला दिया वो प्रोडक्ट बेच जाएगा, ऐसा नहीं है। आगे टूल चलाना आगे मुझे शॉपिफाई बिल्कुल आते हैं, मार्केटिंग आते हैं, फेसबुक ऐड चलाना आते हैं, वो जो स्ट्रेटजी अप्लाई करनी टूल के जरिए वो तुमसे कितनी सीख लिया उसको आती है। वो बिल्कुल उनकी सही बात है। लेकिन देखिए आपको टूल चलाना भी तो आना। अब जैसे मैंने आपको भी बताया, हो सकता है आपको आ रहा है वो चीज, तो आपके लिए हम पर फोकस स्ट्रेटजी पे ज्यादा करेंगे। मेरा सवाल ये था ये कोर्स वो ऑफलाइन स्ट्रेटजीज तक जाए जी 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 बिल्कुल, उसको उसको कवर करें, क्योंकि वो तो मोस्ट इम्पोर्टेंट। जैसे ऐड चला दिया और सेल नहीं हुई नहीं आ रही तो फिर तो फायदा, नहीं है। क्योंकि देखिए यही तो आरओआई है, मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, आप पे कर रहे हैं आपको ये चीज, या आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट आना, तो वो स्ट्रेटेजी से आएगा, वरना हमें स्ट्रेटेजी चेंज करनी। ये कोर्स आप ही पढ़ाई थी अब नहीं पढ़ और मैं इसमें डिजिटल मार्केटिंग और ई-कॉमर्स दोनों चीजें जी। और कोई क्वेश्चन? अच्छा मैं ऑनलाइन स्टूडेंट से कुछ एड्रेस कर लूं क्वेश्चन, बहुत अच्छे आपके क्वेश्चन है, बिकॉज वो बेचारे वेट कर रहे हैं। अच्छा ऑनलाइन स्टूडेंट आप मुझे अगर सुन पा रहे हैं तो प्लीज अपने क्वेश्चंस आप चैट पे लिख दीजिए, आपने मेंशन किए होंगे, मैं दोबारा ओपन कर रहा हूं। और बहुत आई अपोलोजाइज कि आप ने बहुत देर से क्वेश्चन लिखे, लेकिन यहाँ पे हम पहले ऑफलाइन स्टूडेंट के एड्रेस कर रहे थे, अब आपकी बारी है। अच्छा हमाद आपका जो क्वेश्चन है, वर्डप्रेस क्यों नहीं है? नहीं हमाद मैंने जैसे बात की, वर्डप्रेस बिल्कुल है, बहुत एडवांस लेवल पे नहीं होगा, बट सीएमएस का जो की जो आउटलाइन है ना उसमें वर्डप्रेस और शॉपिफाई दोनों पे हम बात करेंगे। तो हमाद वर्डप्रेस बिल्कुल है, आप मत घबराएं, प्रेस पे बात होनी है, इट्स इम्पोर्टेंट। वालेकुम सलाम साकिब, आपका क्वेश्चन। अच्छा कोर्स आउटलाइन साकिब जो हमारे सीएस टीम है वो आपसे कोऑर्डिनेट करेगी और आउटलाइन आपसे शेयर कर देगी। मैंने पावर पॉइंट जो भी स्लाइड डिस्कस की उसमें आउटलाइन है, ये भी आपको मिल जाएगी। अच्छा जी अंशब, देखिए अंशब बेसिक मैं जरूर कह रहा हूँ, लेकिन ये बेसिक नहीं है, ये बेसिक टू एडवांस्ड है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लर्नर जो हमारे कोर्स में होते हैं उनके अलग अलग लेवल होते हैं, तो हम सबको चाहते हैं कि इस तरह उनको ट्रेन करें कि उनको हर चीज का आइडिया हो। और जैसे अभी वो सामा का बहुत वैलिड क्वेश्चन था जो कि एडवांस स्ट्रेटजीज के हवाले से ही था, तो बिल्कुल इसमें एडवांस चीजें होंगी कवर, सार बेसिक से होगा, फिर हम एडवांस की तरफ जाए, बट दिस इज नॉट अ बेसिक कोर्स, ये आप बिल्कुल ना समझे, बिकॉज ये जो फील्ड और जो कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल बेसिक नहीं है, इनमें टेक्निकल चीजें भी आएंगी। हाँ कोडिंग इन्वॉल्व नहीं होंगी, ये भी मैंने अभी क्लियर किया, लेकिन टेक्निकलिटी जरूर होगी, तो उसमें हम एडवांस चीजें भी कवर करें। ठीक है आंसर आई होप मैंने क्लियर कर दिया। और कोई क्वेश्चन है तो दोबारा प्लीज लिख दीजिएगा ऑनलाइन स्टूडेंट्स। अच्छा हाँ अच्छा देखिए इसमें इस तरह से है कि जैसे आप दराज ये शॉपिफाई अमेजोन एफिलिएट्स की बात कर रहे हैं या गूगल एड्स की बात कर रहे हैं या मेटा एड्स की बात कर रहे हैं, तो ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं जिनमें कि हम बेसिक टू एडवांस जाएंगे। और जो टाइमलाइन है अगर हमारी 3 मंथ्स की है तो आप समझ लें कि अगर हमारे 1 to 2 weeks बेसिक की बात है तो फिर आगे फिर पूरी बात एडवांस की ही होगी, और इन सबको हमें
विद इन द टाइमलाइन कवर करना है तो बिल्कुल हम करेंगे। तो स्केल से अगर आप देखें तो बेसिक और एडवांस ही मूव करेंगे ताकि एक लर्निंग एंजॉयबल भी हो। इस कोर्स का खत्म मकसद नहीं कि हम बहुत सारी चीजें सिखा दें लेकिन आप उसको भूल जाए, जैसे सैफ ने भी ये चीज कही है 6 महीने बाद तुम भूल जाएंगे, ये सैफ ने बात की थी, वो बहुत अच्छी बात है। तो हम स्लोली एंड ग्रेजुअली इसको लेके चलेंगे। एक रिक्वेस्ट मेरी सबसे है जो ज्वाइन करें कि आपको कंसिस्टेंट जरूर रहना, मैं हर ट्रेनिंग में बात कहता हूँ, बिकॉज कंसिस्टेंसी बड़ा मुश्किल काम है। जो मैंने जितने लोगों को ट्रेन, अगर मैंने 5,000 लोगों को अपने करियर में ट्रेन किया ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, तो मैंने ये चीज नोट की जो स्टूडेंट कंसिस्टेंट होते हैं वो जल्दी लर्न भी करते हैं और फिर रिजल्ट भी ले आते हैं, और कंसिस्टेंट नहीं होते तो मुश्किल होती है। तो इसलिए इस कोर्स में भी ये है और इंशाल्लाह फिर आप बेसिक टू एडवांस चीजें सीखेंगे। अच्छा अमान आपका, जी अमान दरास की जो पूरी चीज आपने पूछी है तो ये बहुत आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, बट तो मैं शॉर्ट कर देता हूँ। वो पूरी चीज जो स्टोर सेटअप है उसमें किस तरह से कन्वर्जन सेल की तरफ जाना है, किस तरह से आपको उसमें प्रोडक्ट लिस्टिंग करनी, वो सारी चीजें आएंगी उसके अंदर, ये सिंपल आंसर है। अच्छा सरकश आपका क्वेश्चन है, बिल्कुल देखिए सीएमएस की जहां तक बात है तो वर्डप्रेस और शॉपिफाई दोनों पर हम बात करेंगे, ताकि एक तो आपको बेसिक वेबसाइट डोमेन होस्टिंग से लेकर उसमें वेबसाइट को डेवलप जो बेसिक लेवल पे हम करते हैं बगैर कोडिंग के वो क्या है वो हम समझे, और दूसरी बात में स्टोर सेटअप कैसे हुआ ई कॉमर्स स्टोर तो उसकी तरफ जाएंगे, तो वर्डप्रेस बिल्कुल हुआ कवर। मैंने एक और क्वेश्चन पहले भी आया था आई थिंक अनसब का था, तो वहां भी क्लियर किया है। तो बिल्कुल हम अगर वेबसाइट ही नहीं होगी तो हम प्रोडक्ट तो सेल कर ही नहीं, तो वेबसाइट तो मेन है और वेबसाइट से पहले कोई डोमेन आपको एक अक्वायर करना हो। अच्छा इसमें आप अगर मैं आपको एक बिल्कुल सही बताऊं ना तो 6 to 7 तक आप जाएंगे फ्रॉम जीरो, मेरा ये है, और खुद पे कोई लर्नर ऐसा भी हो 9 टच कर ले, बट ओवरऑल जो मेजोरिटी है वो 7 तो टच करे, ये मेरा स्केल है। जाहिर अभी ये कहना क्योंकि लर्नर की जो कॉम्प्रिहेंशन है उसको भी देखना होता है, बट मेरा एक जो अजम्पशन है या एक जो हाइपोथेसिस है, अजम्पशन मैं नहीं कहूंगा, वो ये कि 0 to 7 अगर अनसब स्केल पे करूं 7 आप रखिएगा, इफ यू आर 0 देन यू विल गो टू 7, और अगर कोई 4 पे है तो वो 9 भी टच कर सके। जी नीच पर बहुत अच्छा हमारा क्वेश्चन है, नीच इन्होंने एक नई चीज हम बाद में बता दी है, ये आगे कोर्स में तुम पढ़ते ही, लेकिन चले नीच या नीच से मतलब ये जो लफ्ज है कैटेगरी, बेसिकली देखिए आप कोई भी बिजनेस करते हैं या आप कोई भी स्टोर सेटअप कर वेबसाइट सेटअप करने या डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं तो आपको एक इंडस्ट्री सेलेक्ट करनी है, और वो जिसमें आप ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, ज्यादा क्रिएटिव हो, जो आप लाइक करते हो, तो वहीं पर आप फिर ज्यादा आउटपुट भी देते हैं। मतलब कुछ लोगों को फूड में इंटरेस्ट है, वो बिजनेस ही अपना फूड का स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो फूड नीच हो जाएगी उनके लिए। कुछ लोगों को गाड़ियां बचपन से पसंद है, कहते मैं बिजनेस ही गाड़ियों का करूं, ऑटो मोबाइल पार्क व्हील वाला मॉडल जो है वो अप्लाई, तो वो एक नीच होगी, क्या बन गई ऑटो मोबाइल। इस तरह स्पोर्ट्स और डिफरेंट नीचेस है, तो नीच तो बिल्कुल होगी, और इसमें हमारा ये मैं आपको कहूंगा जो फाइनल प्रोजेक्ट होगा वो हर इंडिविजुअल का एक नीच असाइन उनको करेंगे, ताकि उसी पे वो स्टोर और उसी की मार्केटिंग वो स्टोर की करें और उनको नीच का कॉन्सेप्ट क्लियर, बिल्कुल काम होगा, नीच के बगैर तो है ही नहीं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन और आया, जी 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 प्लीज पूछिए। जैसे प्रोडक्ट की मैंने बात की तो अगर हम दराज स्टोर पे बात कर रहे हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं प्रोडक्ट हंट करता हूँ तो क्या इंस्टीट्यूट हमें कोई इस तरह की लोकल मार्केट में प्रोडक्ट की कैसे हम खरीद सकते हैं, क्या उसकी बिल्कुल देखिए जो थ्योरेटिकल जो थ्योरी है और इवन जो प्रैक्टिकल है उसमें, जैसे एक सवाल ड्रॉप शिपिंग पे भी आया, जब आप ड्रॉप शिपिंग पढ़ेंगे और उसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो आपको फिर ये आइडिया होगा कि आप वेंडर से कैसे कम्युनिकेट करके या थर्ड पार्टी या रिसेलर से कैसे होलसेलर से कैसे कम्युनिकेट करके प्रोडक्ट फंड कर रहे हैं, उसको लिस्ट कर रहे हैं और उसको फिर सेल कर रहे हैं कम से कम रेट पे, जिसमें आपकी कॉस्ट मिनिमम हो, आप एक इनविजिबल ड्रॉप शिपर है और आपने किसी के साथ एसोसिएशन करके एक कंपनी को मार्केट किया और आप सेल लेके आ गए और ऑर्डर आपको मिल रहे, ऑर्डर के लिए आप रिस्पॉन्सिबल है, इन्वेंट्री आपके पास नहीं, इन्वेंट्री कोई और देख रहा है। हाँ
मैंने फॉर एग्जाम्पल टीचर है वो जिसकी अभी मार्केट मार्केट समझ, नहीं। हाँ ठीक है, तो वो टीचर अगर मुझे होलसेलर से समझे या उसको, तो क्या हम इसको अली एक्सप्रेस वगैरह से ऑर्डर करेंगे या अली बाबा वगैरह से ऑर्डर करेंगे या हम लोकली करने हाँ चाहेंगे? देखिए, इसमें सिंपल जो चीज है वो ये, अगर आपके पास लोकली कोई है अवेलेबल ऐसा वेंडर जो आपको प्रोवाइड करेगा, तो आप तो पहले उसके पास जाएंगे। नहीं है तो फिर ज़्यादा आपको इंटरनेशनली जाना, और इंटरनेशनल में फिर बहुत वैरायटी है ना। आपको चाइना की जो चीज है वो बहुत सस्ती मिल जाती है। फिर आप ऐसा कोई वेंडर जैसे अली बाबा, अली एक्सप्रेस का आपने नाम लिया है, लोग वहीं जाते हैं लोग बहुत, तो फिर हम वहां जाएंगे। और ये स्टेप बाय स्टेप दराज की जब पूरी चीज हम सीखेंगे, तो उसमें ये कवर करेंगे कि किस तरह से स्टेप्स फॉलो करके आप प्रोडक्ट को हंट कर रहे हैं उस जगह से जो आपके लिए कॉस्ट इफेक्टिव है, और फिर आप उसको सेल। इंटरनेशनल वेंडर जो होता है उससे क्या चीजें हमें ख्याल रखनी पड़ती है कि हमें कोई स्कैम ना हो जाए? बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए मैं आपको एक, इसमें जो रियल टाइम चीज हुई है कुछ साल हुए इसको, आप लोगों ने सुना भी हो, एमेजोन ने आई थिंक पाकिस्तान में पार्टिसिपेट कर ली, फिर वो रिट्रैक्ट करके चले गए। और उसकी मेन रीजन थी, उन्होंने शहर को कोट किया, भावलपुर एक शहर है जहां से उनको बहुत प्रॉब्लम हुई। और एक अगर आप आउटलाइन देखें तो एक सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स का एथिक्स पर है, एंड एथिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप एक अकाउंट क्रिएट करते हैं, आप सेल करते हैं, कहीं भी चीज आप कर रहे हैं, जो पाकिस्तान में मेन प्रॉब्लम या एशियन कंट्रीज में आता है वो एथिक्स का ही होता है। तो ट्रस्ट बिल्डिंग करना बड़ा मुश्किल होता है, उसको गवाना बहुत आसान है। तो वो उस अगर वो एथिकल बाउंड्री लोग छोड़ देते हैं, जो बहुत बार हो चुका है, तो उससे क्या होता है कि फिर आपका ट्रस्ट फैक्टर, ट्रस्ट डेफिसिट आता है, और इंटरनेशनल क्लाइंट में फिर आपको ट्रस्ट करके काम नहीं देता। तो वो एथिक्स का जो पोर्शन है कोर्स में, वहां हम ये चीजें कवर करें, क्या आप सेफ गार्ड क्या रखें, कि किस तरह से वो चीज करें क्लाइंट का आप पे ट्रस्ट बिल्ड हो। एक तो आपकी ओपन कम्युनिकेशन, जितनी आपकी ओपन कम्युनिकेशन है क्लाइंट उतना ही आप पे ट्रस्ट करेगा। आप उससे कमिट कुछ कर रहे हो, डिलीवर नहीं कर रहे, तो वो जाहिर है फिर वो आपको बिजनेस भी नहीं देगा और वो दूर चला जाए। लेकिन आप उससे ऑनेस्ट कम्युनिकेशन करने, वही करने जो आप डिलीवर कर सकते हैं, फिर कुछ चीज होगी। और उसमें फिर उसको ये लगेगा कि आप उससे स्कैम नहीं कर रहे, आप उससे ऑनेस्ट। जी प्लीज। उसके बाद उसके समझ नहीं आ रहा हाँ ये देखिए, इसमें तो फिर ये बेसिकली आप है। इसमें जो पॉलिसी है वो तो सेल्स टीम आपको बताएगी, बट आई थिंक कि आप, आई थिंक इनिशियली होता ही है कि बहुत से कोर्सेज में 50 जैसे एनरोलमेंट्स हुई, तो इनिशियली 50 एनरोल हो गए या 30 हो गए, तो फिर उतने से फाइनली वो 25-28 होते हैं। एक दो स्टूडेंट्स होता है कि उनको नहीं आती चीज, तो फिर कोई नहीं है, बट उसकी एक कोई पॉलिसी होगी, वो आपको सेल्स टीम बता देगी कि कितनी क्लासेस आप एज अ डेमो या एज अ वो कर सकते हैं। वो बिल्कुल चीज है, ऑब्वियस है, जाहिर है, क्योंकि देखिए जब ऑर्गेनाइजेशन शुरू में एक स्टूडेंट हमारे आए हुए थे, तो एक जगह जॉब कर रहे हैं, तो उनको मैं यही बता रहा हूँ प्रैक्टिकली डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स का काम कर रहे हैं। तो बात हमारी हुई कि आपको ये जज करना पड़ता है ना कि ये फिजिबल आपके लिए कोर्स कितना। आज हमने पूरी कोशिश की है कि आपको इन डेप्थ चीज बताएंगे क्या कवर होगी क्या नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको एक दो क्लास लगता है, आई थिंक कि 1 to 2 क्लास इनफ है, उसमें आपको एक आइडिया हो जाएगा। देखिए सॉरी दोबारा रिपीट, आपने क्या मॉडल है आपका? सही सॉरी, अब बाहर बता दे, एक मिनट।
ऐसे नहीं, मैं कोशिश करता हूँ। आदि मतलब नाम, सॉरी मुझे दोबारा बताइए आपका नाम। काश सर, देखें जो आपका सवाल है, जो प्रोडक्ट की आपने बात की, आपने ईमेल मार्केटिंग की बात, जो अभी आप एक तरीका यूज कर रहे, तो जब आप कोर्स कर लेंगे तो उसमें आपको ना मतलब और बहुत सारे मतलब स्किल्स सीखने को मिलेंगे, जैसा जरिए जो है आप ईमेल मार्केटिंग तो एक मीडियम है, बहुत अच्छा मीडियम है, बट बहुत सारी और भी चीजें जिसके जरिए आप इस नीच में जो आपने बताई है आप प्रोडक्ट को सेल कर सकते। मिसाल के तौर पे आप एड्स के जरिए, जो पेड एड्स है वो, ऑर्गेनिक पोस्टिंग्स के जरिए, ठीक है, या आप पूरी वेबसाइट और पूरा एक ई कॉमर्स स्टोर सेटअप करके, तो वो जो अभी आपकी चीज है शायद आपको वो 30% रिटर्न दे रही हो, है ना, मैं एक एग्जाम्पल दे। तो जब आप ये सारी एक साथ करेंगे तो फिर आपका रिटर्न 80 पे चला जाए। तो आप इसके अलावा बहुत सारी चीजें ऐसी सीखेंगे जिससे आप वही काम जो ईमेल मार्केटिंग से कर रहे हैं वो उनसे भी कर सकते, ये आपको एडवांटेज होगा। नीच तो देखिए कोई भी हो, अगर उसमें डिमांड है, अगर उसमें कस्टमर है, तो ऑर्डर आपको मिलेंगे। मैं आपको एक आसान सी बात बताऊं, सॉरी एक शुरू हो गया था, आसान सी बात है कि कस्टमर भी ना एक ह्यूमन बीइंग, जो सेल में जितने भी लोग जो गुजरे हैं उन्होंने एक बात ही कही कि आपको कस्टमर को ऐसा, जैसे साइकोलॉजी बच्चों की होती है वैसे कंज्यूमर की साइकोलॉजी है, कंज्यूमर बिहेवियर एक पूरी फील्ड है, एक पूरा सब्जेक्ट है जो उसमें बात करता है। तो आप कस्टमर को एक छोटे बच्चे की तरह ही कंसिडर करें, अगर आपने उसके हार्ट और माइंड को रीड कर लिया तो भले आप प्रोडक्ट बहुत अच्छा ना हो आप सेल कर दें, आप प्रोडक्ट बहुत अच्छा है लेकिन आप कस्टमर को रीड नहीं कर रहे, या उसकी जो जो चाहता है, मतलब आज आप भी एक तरह से मेरे एक एक्सटर्नल कस्टमर है, आप आए, आपकी एक्सपेक्टेशन है, तो मैं अगर आपकी एक्सपेक्टेशन रीड नहीं कर रहा तो फिर मैं ये चीज आपको सेल नहीं कर रहा, लेकिन अगर मैं कर रहा हूँ आपकी इमोशनल माइंडसेट को या आपके हार्ट और माइंड दोनों को, तो फिर मैं सेल। तो आप नीच कोई भी हो, अगर आपकी डिमांड है प्रोडक्ट की और कस्टमर इंटरेस्टेड है, और अगर नहीं भी डिमांड है तो आप मार्केटिंग है ही इसलिए कि उससे आप डिमांड जनरेट करें और इवेंचुअली सेल पे जाए। जैसे आपने बताया एक बहुत अच्छी आप चीज यूज कर ही रहे उसमें एड ऑन आपको मिलता है, आसान आंसर ये, जैसे गूगल एड्स या एसईओ या ई कॉमर्स स्टोर सेटअप, ये सारी चीज है। सॉरी बस 1 मिनट। जी जी प्रैक्टिकल के बगैर तो देखिए, मैंने नैपटेक का भी अभी कोर्स किया है, एक साल मैंने डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स की ट्रेनिंग पहले भी डिलीवर की है, बिकॉज ये ट्रेनिंग नहीं ऐसी कि इसमें प्रैक्टिकल के बगैर तो चीज आपको आएगी नहीं, थियरी होती है। आप इसको ये समझ लें कि 30% थियरी 70% प्रैक्टिकल। हाँ, देखिए प्रैक्टिकल में तो सिंपली आपको एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन, एक लैपटॉप चाहिए होता है, मोर जी, मैंने सेटअप में मैंने मैं एम्प्लॉयड भी रहा हूँ बहुत से लोगों के साथ और क्लाइंट्स के लिए मैंने काम भी किया। दूसरी बात यह है कि यहाँ की जब आप अगर आप सेटअप की बात कर रहे हैं तो लैब्स जाहिर है वो है, और बेसिकली इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रैक्टिकल चीज हो और थ्योरेटिकल भी हो तो ही लर्निंग है, वरना नहीं। जी मैंने इन पे मोस्टली डिजिटल मार्केटिंग पेड एड कैंपेन वगैरह पे काम किया हुआ, लेकिन वर्डप्रेस और शॉपिफाई पर भी। जी जी प्लीज। जी, ठीक ठीक अच्छा देखिए इसमें है। प्रोडक्ट नहीं, नाम ही मुझे बताएगा तुम्हारा, इरफान साहब। देखिए इरफान साहब, मैंने आपको दो चीजें बताई, प्रोडक्ट एंड सर्विस। तो अगर आपके पास प्रोडक्ट नहीं है, इट डजेंट मैटर, हो सकता है आपके पास स्किल हो, कोई सर्विस हो जो आप ऑफर करना चाहें। लेट सपोज ट्रेनिंग की हम एग्जाम्पल है, ट्रेनिंग इज अ सर्विस, आप एक ट्रेनर रहे या लेट सपोज यू आर अ डॉक्टर,
और आपके पास एक स्किल है, लेकिन आप अपनी फार्मेसी या क्लिनिक को मार्केट उस तरह नहीं कर रहे, आप एक बहुत अच्छे कंसल्टेंट। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो अगर आपका प्रोडक्ट नहीं भी तो आप सर्विस साइड को टच कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक चीज होना लाजमी और होती है अक्सर लोगों के पास। जैसे अभी उन्होंने बताया कि उनके पास एक प्रोडक्ट है, इसके लिए ईमेल मार्केटिंग कर रहे हैं, तो आपके पास शायद सर्विस हो कोई, या आपका एक्सपीरियंस हो जिसको आप सेल करके उससे अर्न कर सकते। बिकॉज देखिए, आप मार्केटिंग तो हर जगह ही है, डिजिटल मार्केटिंग, और सर्विसेज में भी, इवन वो कोर्स हो, स्कूल हो, कॉलेजेस हो, डिजिटल कोर्सेज हो, उनकी भी पूरी मार्केटिंग होती है, उनके पूरे सेटअप वेबसाइट्स होती है, और उनसे सेल होती है, और इवेंचुअली जो टारगेट है हर चीज का वो सेल। क्योंकि मैं हमेशा स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि अगर सेल नहीं हो रही किसी इदारे में या किसी ब्रांड के लिए, क्लाइंट के लिए, तो फिर एक चीज होती है, इदारे की अगर हम बात करें तो वहां पे एक इक्विपमेंट आ जाता है, लोग चले जाते हैं, और इक्विपमेंट को हम ताला कहते हैं, लॉक लग जाता है, कंपनी बंद हो जाती है। बिकॉज कंपनी, क्लाइंट्स, फ्रीलांसिंग बिजनेस, कोई भी चीज हो, वो सर्वाइव ही किस पे करता है, सेल्स पे। तो एवेंचुअल गोल ही सारी चीजों का जो लीड हमेशा करता है, दैट इज सेल्स। तो इसमें हाँ, जो कि देखिए, कोर्स आपको बेसिक टू एडवांस यही बता रहा है कि ई कॉमर्स स्टोर सेटअप कैसे करना है, सेटअप कैसे करना है, उस पर प्रोडक्ट्स ऐड कैसे करने हैं, प्रोडक्ट रन कैसे करने हैं, बहुत सारी चीज। तो ये तो पूरी बेसिक ऑब्जेक्टिव हुई बात। तो और देखिए, वही मैंने बताया कि अब जैसे आपके केस में हो सकता है कि आपको थोड़ी ज्यादा नॉलेज रिक्वायर्ड हो, कोई और स्टूडेंट हो उनको थोड़ी कम हो, तो हम एक तरह से लेके जाएंगे ताकि सबके लिए एक लेवल हो, और फिर आप एट द एंड ऑफ द डे स्टोर सेटअप सीख। जी सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे आवाज नहीं, दोबारा रिपीट कर। रिस्क फैक्टर, कि हाँ देखिए, एक अगर आपने आउटलाइन देखी तो हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, स्वॉट एनालिसिस, आपने अगर देखा उसमें था। स्वॉट एनालिसिस देखिए किया इसलिए जाता है कि आप रिस्क फैक्टर को मिनिमाइज कर सके, आप अपनी स्टैंडिंग देख लें, अपना एक स्वॉट एनालिसिस कर लें, और मार्केट और इंडस्ट्री का एक स्वॉट एनालिसिस कर लें, स्पेशली जो कंपेटिटर्स आपके हैं, तो फिर आपको ना रिस्क का एक आइडिया, रिस्क मिटिगेशन कहते हैं, रिस्क को मिनिमाइज कैसे करना है। बिकॉज बिजनेस, आप मतलब ये कॉमन एक टर्म है कन्वेंशनल बिजनेस में भी, ई बिजनेस में भी, कि आप रिस्क तो इन्वॉल्व है, आप पैसे इन्वेस्ट करेंगे, कस्टमर मिल भी सकता है, और ऐसा हो सकता है कुछ महीने तक ना मिले, लेकिन आप एफर्ट नहीं छोड़ सकते, आप उस वक्त तक मिनिमम कर लेंगे आप इन्वेस्टमेंट, बट जब तक आपको रिजल्ट नहीं मिले आप कोशिश करते हैं, इवेंचुअली फिर आप रिस्क तो है, बट रिस्क को मेटिगेट कैसे करना वो हम सीख, और इसके लिए वो स्वॉट एनालिसिस वाली चीज तो मैंने आपको आउटलाइन में बताया। जी हाँ देखिए, स्टार्टिंग में तो नहीं कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स हो, मिनिमम आप 2 to 3 प्रोडक्ट से भी शुरू कर सकते हैं, बट कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना है कि कौन से प्रोडक्ट्स आपकी नीश में इंपॉर्टेंट है, जिनकी डिमांड है, उनको हंट कैसे करना है, वो लिस्ट कैसे करना है, वो आइडिया आएगा फिर तो उस पे आप उसकी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं कम भी कर। तो अगर मैं आपके ब्रांड में कोई लेके अपने शो पे लगाऊं तो क्या वो है, तो मैं ब्रांड को अप्रोच करना होगा या मैं ऐसी लगा के प्रोडक्ट है? नहीं देखिए, अच्छी जो स्ट्रेटजी होती है कि अगर आपको ब्रांड को इंडोर्स कर रहे हैं, अप्रोच कर सकते हैं, तो वो तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आपको वो चीज नहीं मिली तो फिर आप जाहिर स्टार्ट तो करना है, लेकिन अप्रोच अच्छी है कि ब्रांड्स के थ्रू ही कर। हाँ, नहीं उस पर अच्छा वो आप लगा सकती हैं, बट पहली अटेम्प्ट ये होगी, पहली स्ट्रेटेजी होगी कि आप किसी ब्रांड एंडोर्समेंट की तरफ जाएं, अगर कोई ऑल्टरनेट नहीं है तो फिर खुद से आप स्टार्ट करें, टाइम टाइम लगता है ऑब्वियसली, आपको हंट करना है, ये वो हंटिंग में पूरी चीज है, जिस तरह आपको एक ऐसा ब्रांड मिलेगा जो आपको नोट्स करे आपके प्रोडक्ट नहीं, मगर ठीक नहीं, फूड बिजनेस लोकल तो है ना, लेकिन लोकल तो है, और बहुत से ऐसे फूड आउटलेट भी जो कि मतलब इंटरनेशनली भी ऑपरेट हो रहे हैं,
तो उनकी जैसे आप, मैं मिसाल अगर आपको दूं, बारबेक्यू टुनाइट की कुछ आउटलेट बाहर भी है, यहाँ पर भी है, और भी बहुत से, वो कम होंगे, तो वो नीच टू नीच वेरी कर, लेकिन हो जा सकता है। अच्छा, दूसरा जो आपको एक और कंसर्न था, लेकिन वो तो एक पाकिस्तानी अप्रोच है कि हम आ जाए और हम सस्ती शॉपिंग करें, बट ऐसा नहीं सब ऐसी करता हूँ। और हाँ, कुछ लोग बिल्कुल है, लेकिन वो तो एक, लेट्स सपोज आपका 100% कस्टमर बेस है, उसका 20%, बाकी तो आपके पास बहुत से लोग हैं जो वहीं से कहते हैं हम ऑर्डर करेंगे, हमें चीज अच्छी। एट द एंड ऑफ द डे जो एप्पिंग कंपनी की सक्सेस का पीछे क्राइटेरिया है, और वो एक लव्ज है, क्वालिटी, ठीक है ना। अब आपको मैं आपके उसमें सवाल पे आ रहा हूँ, आखिरी चीज इसकी एग्जाम्पल, तो अभी इन्होंने एक मॉडल रिलीज किया, आपने पढ़ा होगा, iPhone 16 में ख्याल, और उसकी प्राइस ये बताई जा रही है कि एक लोकल जो मेहरान गाड़ी है ना, जो कि मेरे ख्याल में 12 लाख से कम की है नहीं, मतलब मैं आपको पुराने मॉडल से बता रहा हूँ, ज्यादा है शायद, मैं सही अगर चले आप 10 लाख उसको कर ले, तो इतने का वो नया सेट है। तो बहुत से लोगों ने मजाक में लिखा कि अगर मुझे किडनी सेल करनी है अपनी, तो ही मैं शायद जाके चाहिए दूँ, बिकॉज इतनी एक्सपेंसिव, मैं कोई पुराना मॉडल ले लूँ, बट उसकी भी लेकिन एक इलीट मार्केट है, क्यों है, क्वालिटी है, एप्पल या इस तरह के जो भी ब्रांड मशहूर है उनकी प्रोडक्ट की क्वालिटी है, और वो अगर वो हर जगह फिर होती, क्वालिटी क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर, क्वालिटी अगर है तो फिर सेल होगा, क्यों नहीं होगा, और मार्केटिंग उसको और एनहेंस कर। उसाम लास्ट क्वेश्चन, हाँ इस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसी मैंने शुरू में एक्सप्लेन किया था, नहीं मैं चलें दोबारा बता दूं। देखिए, अगर कोई लर्नर ऐसा है कि जो बिल्कुल ही मतलब फ्रेश है, तो उसके तो फिर हर चीज ही फायदे की है, एक मगर ऐसा हो सकता है कम हो। यूएसपी है कि टू इन वन कोर्स है, आपको ये एक चीज हो सकती है, आप एक डिजिटल मार्केटिंग का सेलेक्ट कोर्स करें, ई कॉमर्स से एक और कोर्स करें, इसमें हम दोनों को कवर करें, ऑलमोस्ट इसमें फोकस ई कॉमर्स पे है, बट इसमें बहुत कोर्स जिनसे हम आपको डिजिटल मार्केटिंग की भी सिखा रहे हैं, तो आपको वन कोर्स में दो एडवांटेज मिलेगा, यूएसपी, यानी आप ई कॉमर्स की भी कोर कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं और डिजिटल मार्केटिंग बहुत सारे स्टूडेंट के आइडियल भी कराते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है थोड़ा सा डिफरेंट आउटलाइन है, जो कि बेसिकली कोर एरियाज को दोनों के कवर कर रही, आई थिंक होंगे, बट मेरा जो असेसमेंट है वो कि बहुत से सेपरेट ही करा रहे, और इसमें लेकिन आपको ये फायदा है कि आपको जब दोनों चीजें होंगी तो आपको गेन बहुत प्रोडक्टिव मिल सकता है उसका, अगर आप दोनों को एक साथ स्ट्रेटेजी वाइज अप्लाई करें तो आपको जल्दी गेन मिले, और आप अलग अलग भी सीख सकते हैं, अब वो सीखने वाले के पेस पर है, लेकिन असल चीजें अगर आपको 3 महीने में दो चीजें सीखने को मिल रही है तो उससे आपको फायदा। और इन स्टूडेंट से बच्चों यूएसपी, हाँ बिल्कुल, और देखिए 5-10 इसमें हो सकती है बात है, लेकिन मैं आपको ये कहूंगा कि एक बजट में आपको दो चीजें मिली है, और वो नीड ऑफ द आवर है, बिकॉज अभी बहुत इंपॉर्टेंट, तो एआई जाहिर हम इसमें नहीं कर सकते थे, मगर ये दोनों बहुत कोर है, और वो है। तो और उन्होंने बिल्कुल सही कहा, किसी के लिए टाइमिंग, अच्छा जो टाइमिंग है वो 7 to 9 इसलिए हमने रखी है, बहुत से लोग जॉब्स पर हैं, उनके लिए 2 दिन में करना आसान होगा, बहुत से लोग ऑनलाइन भी शायद कर लें, और आई एम श्योर के ऑनलाइन स्टूडेंट ज्यादा होंगे, सेवन थर्टी टू नाइन सेवन सॉरी 7:30 to 9 है, लेकिन वो इसीलिए रखी कि जितना पॉसिबल हो सके, फॉर 2 डेज। लास्ट क्वेश्चन है जी, जी लास्ट है, बता टाइम भी होने वाला सर, इसमें आप हमें इस पे गाइड करेंगे लीगल टर्म्स, गवर्नमेंट के बारे में, ऐसा ना हो कि हम जाना बाद में अभी आराम से पकड़ रहा हूँ है। इसकी लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा बहुत डेप्थ में हम जाएंगे, बिकॉज वो उसका कॉम्प्रिहेंशन भी फिर थोड़ा सा मुश्किल, लेकिन जो एथिक्स की मैंने आपसे पूरी बात की, पूरा सब मॉड्यूल है जो कि ये जरूरी, उसमें लीगल डोमेन को भी टच हम करेंगे कि आप स्कैम की तरफ ना चले जाए, आपको कुछ नॉलेज हो कि, अच्छा देखिए कुछ लोग तो इंटेंशनली कर लेते हैं चीज, कुछ लोग गलती से भी कर लेते हैं, उनको नॉलेज नहीं होती बहुत सी टर्मिनोलॉजीज की, बहुत से कॉन्सेप्ट की, तो वो जो कोर एथिकल चीजें हैं ई कॉमर्स या डिजिटल मार्केटिंग की, जिनसे आप बच सकते हैं कि आपका
एथिकल के अलावा बात करें तो उसको रेज करना तो प्रोवाइड करना अच्छा हाँ लिमिटेड जो हम अपने इसको रजिस्टर करवाना है गवर्नमेंट बॉडी से, यानी कि आसान लफ्जों में गवर्नमेंट को हिस्सा क्या देना है, हाँ ऐसे कैसे नहीं देखिए तो रेज करेंगे आप। मतलब कि ई कॉमर्स स्टोर की आप बात कर रहे हैं ना जो वहां पे, हाँ उसकी गाइडलाइन जरूर, बट उसमें इन डेप्थ तो बहुत नहीं, फिर उसकी शायद नहीं हो, लेकिन जो बेसिक उसकी कॉन्सेप्ट है वो जरूर कवर करेंगे। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि आपको एथिकल और लीगल वो चीज है जो कि नेसेसरी है, मतलब बेसिक, या बेसिक नहीं कहें आप उससे लोग कंफ्यूज होंगे, वो जो कि इम्पोर्टेंट है वो कम हम करें, ताकि आप क्लाइंट ट्रस्ट जो बिल्ड होता है ना, जो सबसे बड़ा मतलब प्रॉब्लम पाकिस्तान में या एशियन कंट्रीज में बाहर के क्लाइंट्स को आता है वो तो ट्रस्ट बिल्डिंग और नॉलेज का भी है, तो वो जरूर एरिया कवर होगा, एथिक्स में भी होगा लीगल में। सर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है कि हम अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स को टारगेट करेंगे या ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को, तो ब्रांडेड को अगर करेंगे तो हम पहले किसको हम टारगेट करेंगे, ब्रांड से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करेंगे या तो डिस्ट्रीब्यूटर से, हाँ क्योंकि अनब्रांडेड को पढ़ने में एडवर्टाइजिंग ज्यादा कॉस्ट लगती है ये उस टाइम। मेरे ना उन्होंने भी पूछा था आपका नाम, सॉरी आपने कभी सेम था लेकिन मैं दुबारा, देखिए पहले तो आपकी स्ट्रेटजी वही है ब्रांडेड की तरफ आपका, तो बस वो टाइम सेविंग, मगर अगर आपके कुछ भी नहीं है तो बस कुछ, अगर आपका बिल्कुल एंड हो गया रूट, तो फिर आप अनब्रांडेड को स्टार्ट करें और उसको ब्रांड से लिंक करें, ब्रांड पार्टनरशिप क्रिएट करें, एफिलिएट ढूंढें। से डायरेक्ट कांटेक्ट हम फर्स्ट करें प्रोडक्ट्स के लिए या उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स या अगर मैन्युफैक्चरर्स। डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ब्रांड से है तो बहुत अच्छा, सेकंड ऑप्शन पर वेंडर होलसेलर्स, और फिर वाला अगर कुछ भी नहीं है तो आप गिव अप नहीं करते, आप फिर अनब्रांडेड को लिंक करते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग एक चीज होती है कि आप पार्टनरशिप बिल्ड करें, कि किसी और के लिए ब्रांडिंग करें और इस तरह से। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, इतने अच्छे क्वेश्चन आए, सॉरी थोड़ा सा वो गले का प्रॉब्लम हो गया था, लेकिन अच्छा ऑनलाइन जो सुन रहे उनके मैं आखिरी एड्रेस कर दूं, 9 o'clock में हमें थोड़ा सा देर रह गई है। अच्छा दानिश आप बिल्कुल जी, रिकॉर्डिंग होगी दानिश आपको अवेलेबल है, इस सेशन की भी है और आपको सारी रिकॉर्डिंग मिलेंगी। बाकी आई थिंक ऑनलाइन स्टूडेंट आप क्वेश्चन लिख दीजिए, मैं आंसर कर देता हूँ। ऑफलाइन स्टूडेंट्स अगर आप ऑफ करना चाहें तो पूरी चीज हो गई है। उमर हमारा सेशन कंप्लीट हो गया, फोटो सेशन होगा जी, आप लोग जमा हो जाए मैं वहीं आ रहा हूँ। हाँ सर अमेजॉन शॉपिफाई और दराज, जितना अमेजोन का डेटा वो उतना अच्छा है, क्योंकि मैं अभी स्टेज में अमेजोन पे काम कर रहा हूँ, ज्यादा उसके पास मेरा डेटा ज्यादा तो बहुत अच्छा जाहिर है, क्योंकि इससे मतलब आप स्क्रैच से स्टार्ट नहीं कर रहे, पहले है। से चीज है। थैंक यू, मैं आ रहा हूँ जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चंस प्लीज आप बता दीजिए, फिर हम सेशन कंक्लूड कर रहे हैं। दानिश आपका लास्ट क्वेश्चन था, अरवा सेल्स की जो बात है आपने पूछी है लीड्स की, बिल्कुल वो पेड मार्केटिंग में जो सेल्स की कैंपेन्स है वहां पे लीड जनरेशन की चीज को हम कवर करेंगे, अरवा आपका आंसर है। ओके आप 2 to 3 क्लासेस थ्योरेटिकल है, 7 कुछ छोटे प्रैक्टिकल टास्क होंगे, और फिर अच्छा ऑनलाइन स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन, आपके बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, आई होप नेक्स्ट वीक से आप कोर्स ज्वाइन करेंगे। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको ज्यादा से ज्यादा मैं गाइडेंस प्रोवाइड कर सकूं, और हम सेशन एंड कर रहे हैं। थैंक यू फॉर पार्टिसिपेशन अगेन, और उम्मीद करता हूँ कि आप इस सेशन को अटेंड करेंगे नेक्स्ट वीक, ठीक है, हम एंड कर रहे सेशन। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। सर मुझे